हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इटूज इंडिया। हम बात करेंगे आज किसके कॉनिकल पेंडुलम और बंकित सड़क में बैंकिंग रोड की कहानी होगी और बहुत सारी बातें होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार कमेंट करके बता दो भाई। सारे एक बार बच्चों को जुड़ जाने दो, फिर हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। कॉनिकल पेंडुलम है और बैंकिंग रोड है। क्या है? शंकुलोलक और बंकित पथ है भाई, बंकित पथ। जुड़ने दो एक बार, सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई फटाफट से, पहले तो सारे आके। फिर स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे अपनी कहानी। हाँ, गुड इवनिंग भाई अमजद, अनिकेत, रोहित, विवेक, गुड मॉर्निंग। फटाफट से वीडियो को शेयर करते चलो और लाइक करते चलो, जोड़ दो बच्चों को सबको। संडे है, माहौल बना दे। गुड इवनिंग भाई विवेक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कल की कहानी भी अभी बाकी है। कल जो हम सीख रहे थे क्या गुरुत्व के अधीन गति, उसमें वायु के प्रतिरोध वाला खेल भी हम देखने वाले हैं आज। विष्णु सिंह, जय हिंद भाई। हाँ आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग भाई अर्चना। कल 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 वाली क्लास के अंदर कौन कौन बच्चे प्रेजेंट थे एक बार कमेंट करके बता दो भाई फटाफट से, और रेगुलर कौन आ रहा है ये भी बता दे भाई। रेगुलर कितने जने रेगुलर हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है भाई। क्लास अटेंड करना और रेगुलर अटेंड करना दोनों अलग अलग बातें हैं। गुड मॉर्निंग भाई आलम, अनुराग, मैं अमजद, मैं बोलते जाओ नाम ले लूंगा मैं, चिंता मत करो। रवि यादव, गुड मॉर्निंग। प्रिक, मैं रेगुलर है। अरे वाह, अर्चना, अमजद, आलम, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम माय डियर। गुड मॉर्निंग भाई प्रिक। हाँ गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार। ये जो शंकुलोलक है ना, इसकी कहानी सीखेंगे अपन। एक बार सबको जुड़ जाने दो पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में एक रस्सी पड़ी है, वो लेके आ जाओ। पीली रस्सी और एक डब्बी लगी होगी उसके पीछे वाली सीट के आगे, उसमें पड़ी है गैलरी में। हाँ हेलो 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 हेलो। डेली रूटीन क्या है? डेली क्लास होती है, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई नया बच्चा है वो देख रहा है, डेली क्लास होती है। कितनी बजे यार? शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 तक कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होती है। कल 2 घंटे की क्लास हुई थी गुरुत्व के अधीन गति की। आज 9 से 10:30 बजे तक आपकी क्लास है। संडे को डेली क्लास, संडे को तो मिलेगी आपको 9 बजे से लेकर 10:30। वैसे एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है, रेगुलर टाइम यही रहता है। बाकी वीक के जो 7 डेज होते हैं तब क्लास होती है। कितनी बजे? 7 से लेकर 8:30 के बीच में। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी यार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार हम कल वाली क्लास के अंदर देख रहे थे सर गुरुत्व के दिन गति। कल वाले सारे बच्चे प्रेजेंट, मैंने बोला था सागर मॉर्निंग भाई, कल वाली क्लास के अंदर मैंने बोला था कि क्या कि सर क्या कहानी है। मैंने कहा कहानी ये है दोस्त कि कल हमने गुरुत्व के अधीन गति सीखी थी। क्या सीखी थी? गुरुत्व के अधीन गति। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपसे कोई ये कह दे क्या कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, अभी तो फिजिक्स हो रही है दोस्त, मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपसे ये बोला था कि गुरुत्व के अधीन गति जब हम देखते हैं तो वो हवा का प्रतिरोध क्या लेते हैं यार, उसमें हम सर नगण्य लेते हैं हवा का प्रतिरोध। हवा के प्रतिरोध में गुरुत्व के अधीन गति देखते हैं। हवा के प्रतिरोध के साथ, प्रतिरोध के साथ गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति सर, हवा के प्रतिरोध के साथ गुरुत्व के अधीन गति की बात करेंगे। हवा का प्रतिरोध उसके साथ हम गुरुत्व के अधीन गति में बात करने वाले हैं सर। मैंने कहा आपने एक बात सुनी है क्या? कि क्या सर? मैंने कहा एक बात सुनी होगी आपने, एक बल होता है
बात सुनी नहीं होगी आपने, लाइफ में फील भी किया होगा। मान लो आप कार में बैठे हो, खिड़की खुली है, कार आगे चल रही है, हवा आपको कहां धक्का देती है? सर पीछे की तरफ। एक कार आगे जा रही है, हां कि ना, जिसमें आप बैठे हो, खिड़की के पास बैठे हो, आपने क्या देखा कि हवा आपको पीछे की तरफ धक्का दे रही है, सामने से एक कार निकल कर जाती है, सामने से एक कार निकल कर जाती है, उसमें कौन बैठी है? वही बैठी है, उसकी जुल्पे किधर उड़ रही है? तुम्हारी तरफ ना। वह अगर ऐसे जा रही है तो सर उसका वेग आगे है, तो बल कहां धक्का दे रहा है हवा का उसको? पीछे। सर नहीं आया। आपकी कार ऐसे जा रही थी, हवा का प्रतिरोध आपको पीछे धक्का दे रहा है, उसकी कार ऐसे जा रही थी, उसको हवा का प्रतिरोध पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। मतलब सर कहानी यह है कि हवा का प्रतिरोध है ना, वो भी एक बल लगाता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध बल। जब हमारी गति होती है तो हवा का प्रतिरोध एक बल लगाता है, और वो बल होता है बेटा वेग के समानुपाती पर माइनस। माइनस क्या बता रहा है? दिशा को बता रहा है सर। किसको बता रहा है? दिशा को सर। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाए तो एक चीज आई जिसको बोला बीवी। ये बीवी का बल है दोस्त, हमेशा आपके वेग के विपरीत दिशा में ही लगेगा। क्या आपको बात समझ में आई है? ये हवा के प्रतिरोध का बल है, जिसका परिमाण कितना है? एफ बराबर माइनस का बीवी। बी क्या है? नियतांक है। बी क्या है? नियतांक है, प्रतिरोध बल का नियतांक है। इस वेग की दिशा सर हवा के कारण जो वेग होता है या प्रतिरोध बल होता है, इस बल का परिमाण होता है सर बीवी। और ये लगता है सर वेग के विपरीत दिशा में लगता है सर, वेग के विपरीत दिशा में लगता है सर। ये आपको क्या बात समझ आई है? अरे बोलो हां कि ना। ये कैसा लगता है? वेग के विपरीत दिशा में लगता है। कमेंट करके बताते जाओ और चलते चलो भाई फटाफट फटाफट। यही कहानी हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे फिर आज की क्लास के अंदर। ये कहानी क्या आपको समझ आई है? अरे बोलो भाई, एकदम क्लियर है? चलो अगर ये कहानी क्लियर है तो आप सुनिएगा। मान लो कि किसी वस्तु को आपने ऊपर फेंका, ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछा गया, यू वेग से ऊपर फेंका। हाँ, अगर मान लो हवा का प्रतिरोध नहीं होता तो क्या होता? हवा का प्रतिरोध नहीं होता तो सर सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण लगता। गुड मॉर्निंग भाई आदित्य, कहानी समझ आ रही है सबको? अगर हवा का प्रतिरोध नहीं होता सर, तो सिर्फ और सिर्फ वस्तु कैसे चलते? ऊपर की तरफ चलते और गुरुत्वीय त्वरण लगता। मैंने कहा हां, पर हवा के प्रतिरोध की वजह से एक और बल लगा। मैंने कहा देखिए, ये m द्रव्यमान की वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर जाते टाइम वाली कहानी देखते हैं और फिर नीचे आने वाली कहानी भी देखेंगे। मैंने कहा देखिए, m द्रव्यमान की वस्तु है, बोलो हां कि ना। m द्रव्यमान की वस्तु है सर, नीचे क्या लग रहा है? नीचे सर mg लग रहा है। मैंने कहा बीवी कहां लगेगा? बीवी भी सर नीचे ही लगेगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अगर वस्तु ऊपर जाएगी तो हवा का प्रतिरोध बल कहां लगेगा? नीचे लगेगा सर। वस्तु ऊपर जाएगी तो हवा का प्रतिरोध बल कहां लगेगा? नीचे लगेगा सर। और कहां लगेगा? मैंने कहा ये कुल बल आ गया। हाँ सर, इस कुल बल की वजह से त्वरण कितना होगा? मैंने कहा इसकी वजह से त्वरण हो जाएगा, देखिए इसको ए कुल त्वरण बोल लेते हैं, द्रव्यमान से भाग देंगे तो सर जी प्लस बीवी बाई एम। हां या ना बोलेंगे भाई? अगर सर हवा का प्रतिरोध नहीं होता तो सिर्फ त्वरण जी लेते थे, पर अब अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो इसका जो त्वरण होगा, इसको रोकने वाला जो पहले जी होता था, उसके साथ बीवी बटा एम भी जुड़ गया सर। अब क्या होगा सर? मैंने कहा ये जाती है सर, बुलाती नहीं है, ये जाती है। कितनी ऊंचाई चली गई सर? मैंने कहा ये एच ऊंचाई चली गई। अब क्या कहती है ये कि आप क्या समय निकाल सकते हो? क्या आप ऊपर जाने का समय बता सकते हो? मैं ऊपर जाने का समय पूछ रहा हूं, ऊपर जाने का समय। बोले भाई ऊपर जाने का समय बोलेगा? एक एक बच्चा जवाब देंगे, आज सुबह सुबह तुम सुस्त लग रहे हो यार, ऐसे नहीं करेगा कोई।
एक एक बच्चा जवाब देगा, ऊपर जाने का समय क्या होगा सर? मैंने कहा बड़ा आसान है, मैंने कहा अंतिम वेग जीरो होगा, अधिकतम ऊंचाई अगर ये एच पहुंचा है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्रारंभिक वेग दिया है वी बराबर यू प्लस का 80 लगा दे यार, क्या लगा दे? 80 लगा दे यार। ठीक है सर, तो सर देखिए ये तो हो गया जीरो और ये हो गया, बोलो भाई ये हो गया सर प्रारंभिक वेग यू है और ये प्लस ए, ए नहीं सर माइनस का ए, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि त्वरण नीचे की तरफ है यानी कि मंदन कर रहा है, तो जाने का ऊपर का समय अगर मैं टी वन नाम ले लूं, बोलो हाँ कि ना, तो ये हो जाएगा सर कितना? बोलेंगे सर यू अपॉन ए का मान रख दो, टी वन बराबर क्या? यू अपॉन जी प्लस बीवी बटा एम। कभी कभी क्वेश्चन में इस बीवी बटा एम का डायरेक्ट मान दे रखा होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया एक बार फिर से चलो देखिए वापिस से सुनिएगा बेटा, कहानी सिंपल सी है, वापस से ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन नीचे और सिर्फ देखना स्टार्ट करिए, कहानी बड़ी आसान सी है, कमाल की तो है, कमाल के तो है। हाँ अब सुनिएगा, बहुत बढ़िया भाई अमजद अली। हाँ, हवा के प्रतिरोध के साथ गुरुत्व के अधीन गति, आपने आइडियल कंडीशन में गुरुत्व के अधीन गति मैंने पढ़ाई आपको कल वाली क्लास के अंदर कंप्लीट सिखा दी थी, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अपना रह गया था, इसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं आज। ये टॉपिक क्या कहता है कि अगर मान लो आप ऐसे आगे भागते हो तो पीछे की तरफ एक बल लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? हम आगे जाते तो हवा का प्रतिरोध बल कहां लगता है? पीछे लगता है सर। और वो कितना लगता है? मैंने कहा उस बात का एहसास हमें किसने कराया कि हमारे वेग पे निर्भर करता है सर, ये जितना ज्यादा वेग होगा उतना बल लगेगा सर पीछे की तरफ। तो F समानुपाती माइनस का V, समानुपाती नियतांक हटाया, समानुपाती हटाया तो B आ गया, ये हवा का प्रतिरोध बल है माइनस का BV। मैक्सिमम टाइम आपको क्या है क्वेश्चन में इस BV का मान दिया होगा, तो चिंता ना करें, अभी तो सीखने का दूर है सर। गुड मॉर्निंग भाई आर्यन। हाँ अब बात यह है कि मान लो कि ये वस्तु, किसी वस्तु को हमने वापस वैसे ही फेंका ऊपर की तरफ, वो ऊपर जाने लगी, ऊपर जाएगी और नीचे भी आएगी, पर अब हवा का प्रतिरोध है, हवा का प्रतिरोध है, हवा का प्रतिरोध है। अब जब सर ये ऊपर जाएगी और नीचे आएगी तो इसकी दो प्रकार की गति होगी, एक ऊपर जाने वाली और एक नीचे आने वाली। सर हम बात करते हैं सबसे पहले ऊपर जाने वाली की, ये ऊपर जाने लगी सर, मैंने कहा जाने दो, अगर ये ऊपर जाने लगी तो देखिए एम द्रव्यमान की वस्तु है, जब ये ऊपर जाती थी जब हवा का प्रतिरोध नहीं होता था तो क्या लगता था? सिर्फ mg लगता था नीचे की तरफ, पर मैंने कहा इसका वेग कहां है कि सर ऊपर की तरफ है, तो क्या एक और बल लगेगा? bv का बल। bv का बल कहां लगेगा? वेग के विपरीत दिशा में, यानी कि नीचे, यानी कि कुल बल लगा mg प्लस का bv, तो f बराबर आ गया mg प्लस का bv। तो a आ गया बेटा क्या? g प्लस bv बाय m, द्रव्यमान का भाग देते त्वरण बन जाएगा दोनों तरफ, बोलो हाँ कि ना। यहां तक बात समझ आई हो तो बोले भाई। मुकेश जी बोल रहे सर क्लास 12 की फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे सर नीट 2023 के लिए, क्लास 12 फिजिक्स भी बहुत जल्दी अपन स्टार्ट कर देंगे, चिंता ना करें, एकदम ये वाले कंसेप्ट में कंप्लीट होते ही क्लास 12 के कंसेप्ट सीरीज उठा लेंगे, जुड़े रहे और सीखते रहे। चलिए फिर हमने कहा कि यार ये अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंचे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो हाँ कि ना। v बराबर u प्लस 80 लगा दिया, समय t1 हो गया, वेग ऊपर है, त्वरण नीचे की तरफ है, तो माइनस का साइन आ गया, अंतिम वेग जीरो है, तो समय आ गया ऊपर जाने का, ऊपर जाने का, इस वस्तु के ऊपर जाने का समय आया है दोस्त। आ गया सर t1 बराबर क्या? u अपॉन g प्लस bv का m, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, नीचे आने का खेल खेलते नीचे वाली गति की बात कर रहा हूं, हवा के प्रतिरोध के साथ, हवा के प्रतिरोध के साथ, प्रतिरोध के साथ नीचे आने वाली गति हवा के प्रतिरोध के साथ। और मैंने कहा कि देखो सुने, मैंने कहा कि यह वस्तु नीचे आ रही है, हाँ सर, अब जब यह नीचे आएगी तो इसके वेग की दिशा क्या होगी? नीचे की तरफ होगी, बोलो रे। जब यह वस्तु नीचे आ रही होगी तो इसका वेग कहां होगा? नीचे की तरफ होगा सर। अगर वेग नीचे की तरफ होगा तो बताओ हवा का प्रतिरोध बल कहां लगेगा? कमेंट करते रहे, लिखने में ध्यान ना दे, फिर कह रहा हूं हर चीज सिखा दी जाएगी, चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे सीखने में, आज सीख गया तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त।
और आज नहीं सीखा तो जिंदगी भर लिखता रहेगा। लिखना नहीं है, सिर्फ सीखना है। तो सर ये एम द्रव्यमान की वस्तु है। अगर हम इस वस्तु को देखें तो देखो बेटा नीचे लगेगा एमजे और बीवी कहां लगेगा ऊपर, पर आ कहां रहा है नीचे आ रहा है। सर आ कहां रहा है नीचे। अरे क्या बात है भाई अमजद, क्या बात है। तो सर देखिए कुल बल हो जाएगा, या आप कुल बल की समीकरण भी लगा सकते हो अगर आपने एनएलएम पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कुल बल हो गया सर एफ बराबर एमजे माइनस का बीवी। तो त्वरण हो जाएगा सर जी माइनस बीवी बाई एम, आया है हाँ कि ना। अब इसको यहां से यहां तक ऊंचाई तो वही रहेगी ना। हाँ सर, समय निकालना है कौन सा समीकरण लगाऊं, नीचे आने का समय कौन सा समीकरण लगाऊं। भाई बड़ी कमाल की बात है, बहुत जगह नहीं पढ़ोगे इस चीज को तुम जो यहां पढ़ रहे हो। कितना समय लगेगा नीचे आने का? सर नीचे आने का समय लगेगा, मैंने कहा देखो समय लगेगा, कौन से समीकरण लगा दो सर, गति के दूसरी समीकरण लगा दो। क्या आपको पता चला गति के दूसरी क्यों लगाई? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो है, ये हो गया माइनस का एच। नीचे वाली दिशा ऋणात्मक है, ऊपर वाली धनात्मक है, कल भी सिखाया था। एच बराबर ये जीरो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। माइनस से माइनस गया, एच तो एच हो गया, ये हाफ, और ए का मान ये रहा जी माइनस बीवी बाई। लास्ट में रख देंगे सर, लास्ट में रख देंगे, याद तक कोई दिक्कत किसी को कैसे भी। तो सर टी आ गया अंडर रूट टू एच बाई ए, मान रखेंगे तो अंडर रूट टू एच, ए का मान ये रहा जी माइनस, अरे बोलो बीवी बाई एम। क्या कहानी क्लियर है? क्या कहानी एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बोले भाई। अब बताओ किसी को कोई डाउट है, कैसा भी कोई सा भी डाउट हो तो बताए भाई। आपको ऊपर जाने का समय भी पता है, नीचे आने का समय भी पता है। बहुत बार तो ये पूछा जाता है कि कौन सा समय ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। ऊपर जाने का समय ज्यादा होगा कि नीचे आने का समय ज्यादा होगा बताएं भाई। ऊपर जाने का समय ज्यादा होगा या नीचे आने का समय ज्यादा होगा, बोलो कौन सा समय ज्यादा होगा सर, कौन सा समय ज्यादा होगा? क्या कहानी क्लियर है एकदम? मोहित हेलो, हाँ कहानी क्लियर है एकदम। एक क्वेश्चन लिख लेना जो तुम्हारे लिए है, इतनी सारी चीजें मैंने बना दी हैं। क्या कि कौन सा समय ज्यादा होगा, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। बहुत बढ़िया भाई विवेक, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से देखिए, इसको जब आप कंपेयर करोगे ना, इसको जब आप कंपेयर करोगे, कल एक क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट वाला अगर आपको होमवर्क पता है तो, कल एक लास्ट क्वेश्चन कराया था होमवर्क वाला अगर आपको पता है तो, उस क्वेश्चन को आप आज करोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको उसको करने में, उस क्वेश्चन को करने में आपको मजा आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, दोनों राय है। एक बार इस पर लिख लेना कि सोचे कौन सा ज्यादा होगा। इतना सारा कराने के बाद अब आपको सोचना है। देखो सारी कहानी तो मैंने सिखा दी कि ऊपर का समय ज्यादा है कि नीचे का, आज इसका जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें, खुद सोचे। बहुत सारे बच्चे जवाब दोनों दे रहे हैं, ऊपर का होगा कि नीचे का, ऊपर का होगा या नीचे का। अरे कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो तुम्हें खोजना है। कल तक का टाइम है, आज आज के लिए होमवर्क है आपके लिए कि ऊपर जाने का समय ज्यादा है या नीचे आने का समय ज्यादा है, और विद एक्सप्लेनेशन जवाब दोगे कल वाली क्लास के अंदर। अमजद अली ऊपर जाने पर देखते हैं भाई दोनों बराबर होंगे। दोनों तो बराबर नहीं होंगे बेटा, ये हवा के प्रतिरोध के साथ गति है, हवा के प्रतिरोध के साथ गति है। नहीं आया। अब बात करते हैं एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, क्रांतिक नहीं सीमांत वेग। सीमांत वेग सुना है किसी ने? सीमांत वेग 11 स्टार है किसके लिए? नीट वालों के लिए भी और जेई वालों के लिए भी। सीमांत वेग सुना है? नीट एंड जेई के लिए 11 स्टार है। इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।
एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन कहां सुना है तुमने, ये सीमांत वेग कहां सुना है फिजिक्स के अंदर? टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सुना कहां है तुमने, बताएं? टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहां सुना है? बोलो बोलो बोलो, मैक्सिमम बच्चे जवाब दे चुके हैं ऊपर जाने पर एक्सप्लेनेशन ढूंढना है तुम्हें, कुछ तो तुम्हें भी दिया जाए यार पढ़ने के लिए। हाँ कि ना विकास? हेलो भाई। हाँ, अरे टर्मिनल वेलोसिटी जवाब दो यार, जवाब बहुत धीरे धीरे दे रहे हो तुम। सूडो फोर्स कब से चलेगा सर? सूडो फोर्स की कहानी कल सिखाऊंगा बेटा, 7 से 8:30 वाली क्लास में कल सूडो फोर्स है घर्षण के अंदर ना। और कोई कहां पे सुना होगा? या तो यहां सिखाया जाता है या फिर सिखाया जाता है अगर आप 12th पास हो या 11th पास हो तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि सर ये कहीं तो हा कहीं तो था ये टॉपिक सर। अरे यार ऐसे करोगे तुम, कहीं तो था ये टॉपिक यार, कहां था भाई ये टॉपिक, कहां था? नहीं सुना है? ये टॉपिक आता है बेटा फ्लूइड के अंदर तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण में, 2/9 जी आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो, याद करिए। इस वाले फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतनी बार क्वेश्चन पूछे गए सीमांत वेग वाले फॉर्मूले के ऊपर, पर इस सीमांत वेग का कॉन्सेप्ट यहां से सिखाया जाता है तो वहां पे बच्चा पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि ये सीमांत वेग का फॉर्मूला यहां सिखाऊंगा ना। अगर आप, क्या आपने तरल यांत्रिकी पढ़ा है फ्लूइड के अंदर 2/9 r² g σ - ρ, ऐसा कोई फॉर्मूला सीखा होगा? बोलो हाँ कि ना। 2/9 r² g σ - ρ, क्या ये सीमांत वेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कहीं पर? क्या ये देखा देखा लग रहा है? क्या ये देखा देखा लग रहा है तुम्हें? ये नहीं लग रहा देखा देखा। अगर आप 11th पास हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब आपको तरल यांत्रिकी वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब ये फॉर्मूला सिखाया जाएगा। अभी तो इसको करते हैं साफ। अब कॉपी पेन उठाकर तैयार हो जाओ मेरा जवाब देने के लिए। मैंने कहा बादल कहां बनते हैं सर? आसमान में। बादल कहां बनते हैं? मैंने कहा आसमान में बनते हैं बादल, बरसात होती है। हां, वहां से बारिश की बूंदे कोई फेंक रहा होता है कि अपने आप आती है? अपने आप आती है ना। कितनी ऊंचाई पर बनते होंगे बादल सर? लगभग 3-4 किलोमीटर। मैंने कहा 5 किलोमीटर ले ले। लगभग कितना सर? 5 किलोमीटर के ऊपर इतनी हाइट होती है बादलों की, इससे ज्यादा नहीं होती है दोस्त। 11th में हो कोई बात नहीं बेटा, अभी 11th वाला खेल ही देख रहे हैं अपन। कितनी ऊंचाई पर बादल बनते हैं सर? 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल बनते हैं सर। अरे मैंने कहा क्या बात है, अगर 5 किलोमीटर ऊंचाई पर बादल बनते हैं तो जो बूंद नीचे गिरती है बरसात के, हम कैसा मानते हैं? मुक्त पतन ही मानते ना भाई, जहां से गिरी होगी वहां तो वेग जीरो होगा। हाँ, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछूं कि धरातल पर जब ये पहुंचेगी तो इसका वेग बताओ, धरातल पर जब ये पहुंचेगी तो इसका वेग बताओ, धरातल पर जब ये पहुंचेगी तो इसका वेग बताओ। टी बराबर √2hg हो सकता है, कैसे बेटा? ये कल वाली क्लास में सिखा दिया अभिषेक परमार, कल वाली क्लास में अटेंड नहीं करी थी आपने। √2hg, मुक्त पतन, इसमें भी समय वही आएगा। एच ऊंचाई पर है, प्रारंभिक वेग क्या है? 0। एस बराबर ut + ½ लगा दे और तेरा जवाब आ जाएगा। अरे वेग कितना होगा सर? मुक्त पतन है तो वेग हो जाएगा √2gh। तो देखिए सर, 2 × 10 × 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर। ओहो कितना आ गया सर, देखो 5 × 2 = 10, 10^5 का रूट। देखो 3 तो ये हो गया, 4, 5 × 2 = 10। यार ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा तुम्हें? लग तो रहा होगा यार, देखो कितना। अरे भाई इसको मैं लिख सकता हूं 10, हाँ √10, 100 का रूट, अरे सॉरी 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 100√10। कितना लिख सकता हूं? 100√10, क्या यही आएगा? √10 का मान कितना हो जाएगा? 3.1 के समथिंग आ जाएगा। 3.1 क्या है? 3.2। अरे 9 का कितना होता है? 3 होता है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये हो गया सर 310 के आसपास, 310 मीटर पर सेकंड के आसपास अगर आपका आंसर आता है तो एकदम सही है।
310 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा वेग है कि बहुत कम है? अब ध्यान से सुनना, 310 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा वेग है या बहुत कम वेग है? कितना है, बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज्यादा है सर। क्या सच में बारिश जब होती है तो इतने वेग से हमें बरसात की बूंदे नजर आती हैं हमारे लगती हुई? 310 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि बरसात की बूंदे गोली के वेग से आ रही हैं। और अगर सच में ऐसा होता और हम बरसात में बाहर निकल जाते तो हमारे जीवन का अमूल्य क्षण होते, उसके बाद हम जीवन में कभी बरसात में बाहर नहीं निकल पाते। 310 मीटर पर सेकंड का मतलब है सर गोलियां चल रही हैं, और शायद जो छाता बन रहे हैं ना, वो किसके कपड़ों के, वो लोहे के बने होते क्योंकि वेग इतना होता है। पर इतना तो नहीं होता सर, फिर ऐसा क्या होता है? ऊपर वाले ने हमारे बचाव के लिए वातावरण बनाया, हवा का प्रतिरोध बनाया सर। क्या बनाया? हवा का प्रतिरोध। अब ध्यान से सुनना, बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है ये, सीमांत वेग का कॉन्सेप्ट यहीं से समझ आता है बच्चों को। उन्होंने क्या कहा है कि यार ये वस्तु जब ये बरसात की बूंद जैसे ही नीचे आएगी तो इसका वेग बढ़ेगा। हाँ, तो नीचे इस पे बल लग रहा है mg और वेग के विपरीत दिशा में बल लगता है सर bv का। किसका? bv का सर। हवा के प्रतिरोध का बल कहां लगेगा? ये बरसात की बूंद जैसे जैसे नीचे आएगी तो हवा के प्रतिरोध का बल कहां लगेगा सर? मैंने कहा ऊपर की तरफ। कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। नहीं आया क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बल नीचे mg है, ऊपर कितना है? bv है सर। तो कुल बल कितना हो गया? कुल बल हो गया सर mg माइनस का bv। अब ध्यान से सुनना, तो इसको मैं लिखूंगा m इंटू a बराबर mg माइनस का bv। ए आ गया सर mg माइनस bv बटे m। क्या याद तक किसी को कोई तकलीफ है? अरे कमेंट कर दो भाई, फटाफट फटाफट जवाब दो यार। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा, जैसे जैसे ये बूंद नीचे आएगी, ये जैसे जैसे बूंद नीचे आएगी mg क्या होगा? mg तो नियत है, वो तो उतना ही लगेगा जितना लग रहा है सर, पर वेग बढ़ेगा सर। वेग बढ़ने की वजह से क्या होगा? bv बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ये बूंद नीचे आएगी mg तो नियत रहेगा, mg में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वेग बढ़ने की वजह से ये जो हवा का प्रतिरोध बल है ये बढ़ता जाएगा सर, और ये बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि mg bv के बराबर हो जाएगा। mg बराबर जैसे ही bv हुआ तो सर कुल त्वरण जीरो हो गया। पहले ये बताओ ये बात समझ में आई है? जैसे जैसे ये बूंद नीचे आएगी इसका वेग बढ़ेगा सर, और हवा का प्रतिरोध बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेग के बढ़ने से हवा का प्रतिरोध बल बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो mg लग रहा है बूंद के ऊपर वो bv के बराबर हो जाएगा, यानी कि हवा के प्रतिरोध बल के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पे सर कुल त्वरण जीरो हो जाएगा। कुल त्वरण जैसे ही जीरो हुआ तो क्या वेग भी जीरो हो गया? त्वरण जीरो होने का मतलब क्या वेग का जीरो होना है? लो भाई, डॉक्टर साहब किसने मना किया है फिजिक्स की क्लास लो कहां से लेना है ये बताओ मेरे को। हाँ, कुल त्वरण जीरो है। कुल त्वरण जीरो का मतलब बेटा वेग जीरो है। क्या मेरी बात ध्यान से सुने, क्या मैंने सही लिखा है? कुल त्वरण के जीरो, ये आपका सेल्फ एनालिसिस है जो क्वेश्चन छोटे छोटे में आपसे पूछता हूं। क्या कुल त्वरण के जीरो होने का मतलब वेग जीरो है? अरे बोलो, क्या कुल त्वरण के जीरो होने का मतलब वेग का जीरो होना है सर? अरे बोलेंगे भाई, क्या वेग का जीरो होना है? नहीं, वेग जीरो नहीं होता सर। कुल त्वरण के जीरो होने का मतलब वेग जीरो नहीं है। ए का मतलब होता है dv बाई dt। अगर ये जीरो है ना, ए जीरो है, इसका मतलब है dv बाई dt जीरो, और किसी का अवकलन जीरो तब होता है जब वो नियत होता है, यानी कि वेग नियत है। वेग क्या है? नियत है। वेग नियत है। अब कंसेप्ट बड़ा कमाल का है, ध्यान से सुनना।
जब खेल ऐसा हुआ कि सर बूंद नीचे आने लगी, वेग बढ़ने लगा, वेग बढ़ने की वजह से हवा का प्रतिरोध बल बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते वो mg बराबर bv हो गया सर। जैसे ही bv हुआ तो क्या हुआ सर, त्वरण जीरो हो गया और वेग नियत हो गया। इस नियत वेग को ही कहते हैं सीमांत वेग। इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं सर। क्या बात समझ में आई है? यही वो वेग है सीमांत वेग, यही वो वेग है जिसको सीमांत वेग कहते हैं। यानी कि आज के बाद अगर कोई आपसे सीमांत वेग निकलवाए फिजिक्स के कहीं भी किसी भी चैप्टर में, तो आप क्या करोगे, कुल बल जीरो की कंडीशन लाकर वेग निकाल दोगे। कुल बल जीरो की कंडीशन लाकर क्या निकाल दोगे, वेग निकाल दोगे। अरे बोलो हां कि ना, इस वाले कंडीशन में कोई सीमांत वेग निकाल के बता दे मेरे को, इस वाले कंडीशन में सीमांत वेग निकाल के बता दे मुझे। अगर आप मेरी बात समझे हो तो इस वाले केस में सीमांत वेग निकाल के बताएगा। एक एक बच्चा फिर आते हैं हम अपनी कहानी पर, सर देखिए कुल बल ये रहा, कुल बल कितना है रे, एम जी माइनस का बीवी है सर, ये जीरो हो गया सर, एम जी बराबर क्या, एम जी माइनस बीवी सर, तो देखो सीमांत वेग आ गया सर एम जी बाई बी। इस वेग से बूंदे नीचे गिरती हुई नजर आती हैं हमें एम जी बाई वी। क्या आपको सीमांत वेग के कॉन्सेप्ट को लेकर कोई सा भी डाउट है तो बोले भाई। अब हम बात करेंगे जिस क्लास के लिए आज हम आए हैं उसी की बातें होगी। एक कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं। क्या भूतों वाली कहानी नहीं है ये, यह कॉनिकल पेंडुलम की कहानी। किसकी कहानी, कॉनिकल पेंडुलम। झूला झूला है कभी, अरे झूला झूला है कौन सा वाला, वो घोड़े वाला झूला, ऐसे वाला, इस झूले में बैठे हो कभी, यही है कॉनिकल पेंडुलम। ये ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, हाँ ये कॉनिकल पेंडुलम है क्षैतिज तल में वृत्तीय गति, पर ये ऐसे होता है, ये क्षैतिज तल में वृत्तीय गति ये है, पर इसके साथ कुछ अलग है। एक एल लंबाई के रस्सी के साथ क्या किया जाता है, एक एम द्रव्यमान की वस्तु को बांध दिया जाता है। अरे क्या बात है भाई अमजद, बहुत बढ़िया बेटा। और इसको ऐसे ऐसे घुमाया जाता है सर, ये क्या है, मैंने कहा ये कॉनिकल पेंडुलम है, इसको कहते हैं बेटा कॉनिकल पेंडुलम। पीडीएफ मिल जाएगा बेटा आपको, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा। अब सुनिएगा, संकोदोलन कहते हैं दोस्त इसको, संकोदोलन। सिर्फ देखे और जवाब देने के लिए तैयार रहें, आज की कहानी में आपको वो कंसेप्ट सिखाएगी जहां से बहुत बार नीट जेई के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन पूछे हैं। आज के एनएलएम वन शॉट नहीं पढ़ाया जाएगा सर। एनएलएम में बेटा बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है आपको अर्चना, और आपके पास तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आपके पास तो वैसे भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे। दूसरी बात, कोर्स लिया हुआ है ना आपने तो, और दूसरी बात क्या, टू ब्लॉक प्रॉब्लम में दिक्कत आती थी, मैं पहले ही करवा चुका हूं आपको, हाँ कि ना। बैंकिंग ऑफ रोड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बच्चे को यह समझ नहीं आता कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। संकुदोलन से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उनकी बातें हम आज करेंगे। देखिए इस सीरीज का नाम कॉन्सेप्ट सीरीज इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि बच्चा कहां अटकता है, और जहां अटकता है वही तो कॉन्सेप्ट ले लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है। संकुदोलन की कहानी, तैयार हो जाए क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भाई। अब सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। ये संकुदोलन है, इसको मैं ऐसे ही घुमा रहा हूं, तो ये एल लंबाई की डोरी है, एम द्रव्यमान का गोला लटका हुआ है, हाँ ये वाला कोण आप थीटा ले लो, और ये इस वृत्त में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है भाई ये, सुनिएगा, टू ब्लॉक आता है सर, अरे क्या बात है, ये ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे। मैंने कहा कैसे वे बिंदु पर, मान लो कि इस बिंदु पर इसका वेग अंदर मान लो, बाहर मान लो, कोई बात नहीं, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, यहां पर इसका वेग जैसे भी है वी वेग है, यहां पर डॉट ले लो, बाहर की तरफ आता हुआ नजर आएगा सर। मैंने कहा है कि एम जी कहां लगेगा यहां पर सर, नीचे। इस रस्सी में क्या लगेगा सर, तनाव बल।
इस रस्से में क्या लगेगा? तनाव बल। क्या एक और बल लगेगा यहां पर? अब जवाब दें भाई। सर डिस्टर्ब मत, ओके सर को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। अरे कोई बात नहीं बाबू, तुम्हारे बातों का जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ सुने सुने, MG कहाँ लग रहा है? नीचे, तनाव बल T इधर। अब बताओ क्या एक और बल है यहां पर? क्या एक और बल है यहां पर? बोलेंगे या मैंने सारे बल लिख दिए हैं? यहां पर एक और बल है सत्यम सिंह, अरे क्या बात है, एक और बल है, एक और बल है। अगर आपने उसका नाम सुना हो तो उसको अब केंद्रीय बल कहते हैं सर। क्या कहते हैं? अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल की बात कर रहा हूं। दो बल होते हैं, एक अब केंद्रीय बल होता है और एक अभी केंद्रीय बल होता है। एक अब केंद्रीय बल होता है और एक अभी केंद्रीय बल होता है। मैं अब केंद्रीय बल की बात कर रहा हूं, दिशा बता दो उसकी। मैं दिशा ऐसे ही पूछता हूं ना, दिशा बताएंगे भाई। एक एक चीज बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बोले भाई, सूडो फोर्स नहीं है दोस्त यहां पर, यहां पर है अब केंद्रीय बल, सूडो नहीं है। सूडो की कहानी कल सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा सूडो की कहानी सीखकर तुम्हें कल। सूडो को कैसे लगाते सारी कहानी सिखाऊंगा, एकदम जबरदस्त जोरदार तरीके वाली। मुझे एक बात बताएं, अब केंद्रीय बल की दिशा क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे बच्चे जवाब देंगे भाई, तुम्हारे कमेंट पे नजरें टिकाए बैठा हूं। 2 2, ओहो 8, अमन 8। अरे यार क्या बात कर दी। और कोई, और कोई, और कोई जिसको अप केंद्रीय बल में तकलीफ है बोलें। मैं आपको दिशा निकालना भी सिखाऊंगा। देखिए मेरी बात सुनिएगा, यही तो छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से सर हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हमें फॉर्मूले आते हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर क्या हमें कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें आनी चाहिए वो आती हैं? इंश्योर करिए उस बात के लिए। एक बालक बोल रहा है 5। अरे क्या बात है अमजद अली। और कोई, और कोई जवाब दे, जवाब दे भाई। विवेक 5। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। 5 एकदम सही है बेटा। अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ लगेगा, पहली बात, ये एमवी स्क्वायर बाई आर होता है। थोड़े से मैं चर्चा कर लेता हूं इसके ऊपर। अब केंद्रीय बल हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। एक और बालक अर्जुन, अरे क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वृत्तीय गति का जब खेल खेलेंगे, वृत्तीय गति में मैं आपको ये वाला कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं कि बस यहां तो सिखा दिया। एक्सलरेशन इन सर्कुलर मोशन का भी एक कॉन्सेप्ट सीरीज में एक लेक्चर आने वाला है। एक्सलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन का भी मुझे पता है तुम कहां पे गड़बड़ करते हो। गुड मॉर्निंग भाई सुधाकर, लेट हो बाबू आज। हाँ मैंने कहा सुनिएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में घूमती है, हाँ वृत्तीय पथ में घूमती है, मान लो कि ये रस्सी है, ये रस्सी है। अब ध्यान से सुनना, मैं कंसेप्ट सिखाता हूं आपको, जबरदस्त कंसेप्ट सिखाता हूं इसका, अब केंद्रीय और अभी केंद्रीय बल का। मान लीजिए ऐसे घूम रही है। हाँ सर, कैसे घूम रही है? ऐसे। तो आप ध्यान से देखो, इस रस्सी में क्या आ रहा है? तनाव बल। ये रस्सी मान लो ढीली पड़ गई, अगर नहीं घूमेगी। वृत्तीय पथ में घूमने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वृत्तीय गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है सर, और उस बल को कहते हैं हम अभी केंद्रीय बल। वो अभी केंद्रीय बल तो हमेशा किसके तरफ होता है? केंद्र की तरफ। तो अगर मान लो कि इस रस्सी को मैं काट दूं बीच में से, तो क्या वृत्तीय पथ में घूमेगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि तनाव जीरो हो जाएगा रस्सी को काटते ही सर। अभी केंद्रीय बल वृत्तीय पथ में घुमाने वाला बल है। सुनील हेलो, कौन सा बल है? वृत्तीय पथ में घुमाने वाला बल है सर। हाँ अगर आप रस्सी काट दो तो यह वृत्तीय पथ में नहीं घूमेगी, पर अभी केंद्रीय बल का परिमाण कितना होता है? मैंने कहा अभी केंद्रीय बल का परिमाण होता है mv square by r। और ये जो बल है ना mv square by r, ये अलग अलग केस में अलग अलग इसका रोल प्ले करते हैं।
अलग अलग केस में इस बल का किरदार अलग अलग बल निभाते हैं। रस्सी वाले केस में तनाव बल अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं किसके, नाभिक के, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला कूलाम बल के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। सर धरती और सूर्य के केस में सर दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल का काम करता है और इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। पर आपने इस बात का एहसास किया कि अगर इस रस्सी को मैं काट दूं, ध्यान से सुनना, इस रस्सी को मैं काट दूं तो ये कहां भागेगा, केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ भी एक बल है। बाहर की तरफ यानी कि केंद्र से बाहर तो इधर हुआ, mg की बात नहीं कर रहा, बाहर की तरफ जो बल है वो है एक mv स्क्वायर बाई r। क्या है mv स्क्वायर बाई r? केंद्र के अंदर वाले बल को तो कहते हैं क्या हम अभिकेंद्रीय, बाहर वाले को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के बारे में अगर मैं आपसे कहूं वो mv स्क्वायर बाई r ही होता है। क्या होता है? mv स्क्वायर बाई r, दोनों का परिमाण बराबर होता है सर, पर दिशा अलग अलग होती है सर। क्या होती है? दिशा अलग अलग होती है सर। कहानी क्लियर है? पक्का सोच लो। आया क्या? अब आप ध्यान से देखो कि ये कॉनिकल पेंडुलम की जो कहानी मैं आपको सिखा रहा हूं, शंकु दोलन की कहानी में सिखा रहा हूं, ये ऐसे घूम रहा है। ये झूला है वो घोड़े वाला, अगर मेले में इस झूले में झूले हो, ये ऐसे घूम रहा है सर, तो इसका व्रत ये वाला है सर। हाँ, तो जब इस बिंदु पर होगा तो इसका केंद्र तो ये है सर, इस व्रत का केंद्र ये है, तो अपकेंद्रीय बल कहां लगेगा? बाहर की तरफ। क्या आपको बात समझ आई है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, आया क्या? अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये तनाव बल टी है सर, ये कोण थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? भाई मैंने कहा ये आर होगी, पर आर तो दे नहीं रखा आपको, तो लंबाई दे रखी है रस्सी की। अब ध्यान से सुनिएगा, रस्सी की लंबाई दे रखी है, हाँ या ना बोलो भाई। तो ये त्रिज्या निकाल पाओगे क्या? ये त्रिज्या निकालोगे? सर ये समकोण त्रिभुज में देखिए, इसका एक घटक होगा, तो आर बराबर तो आ गया एल साइन थीटा। आर बराबर क्या आ गया? एल साइन थीटा। R बराबर क्या आ गया? L sin theta। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि शंकु दोलन पढ़ाना है, अब केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल का आता पता नहीं है, बस कुछ भी चल रहा है, नहीं, हर चीज यही सेट कर देंगे, चिंता ना करें। अब सुनिएगा, इधर तो लग रहा है बेटा तनाव टी, इधर लग रहा है क्या? mv स्क्वायर बाई r। क्या आपका दिल गवाही दे रहा है? कुल बल जीरो है, और हम जानते हैं r बराबर क्या है? l साइन थीटा है सर। क्या ये कोण थीटा है या नहीं है? ये कोण भी थीटा है, ये थीटा है, तो क्या आपका दिल गवाही दे रहा है कि यहां पर कुल बल जीरो है या नहीं है? है सर। अगर इसको इसी वृत्त में घूमना है तो इसके परिधि के प्रत्येक बिंदु पर कुल बल जीरो है, तभी तो उसी परिधि में बना हुआ है। अरे हां कि ना? कुल बल जीरो है तभी तो उसी परिधि में चक्कर लगा रहा है। अगर मान लो कि एक भी बल ज्यादा कम हुआ तो इसकी त्रिज्या बदल जाएगी। कुल बल जीरो है सर, तो इस तनाव बल के घटक कर लो यार, तनाव बल का ये वाला घटक तो हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा टी कोस थीटा। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा काम आएगा। कुल बल जीरो का मतलब सभी बलों को दो दिशा में लेकर आ जाओ और बराबर कर दो। इस तनाव के घटक कर दिए हमने, तो सर ये हो गया टी साइन थीटा बराबर तो आ गया सर एमवी स्क्वायर बाई आर, और टी कॉस थीटा बराबर आ गया सर एमजी सर। हाँ, भाग देंगे तो सर ये टेन थीटा, और ये आ गया सर कितना, एम से एम कट गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये पहली समीकरण, ये दूसरी, पहली को दूसरी में भाग दे दिया, आपको इतना आना चाहिए बस। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्त, आपसे तनाव बल पूछ ले, आपसे टेन थीटा पूछ ले, थीटा कितना होगा, आपसे वेग पूछ ले, वी पूछ ले, आपसे त्रिज्या पूछ ले, आर का मान कितना याद है ना, आर का मान भूलना मत, आर का मान यहां पे एल साइन थीटा है, ये पुट नहीं किया है मैंने अभी। क्या आपको ये कहानी एकदम क्लियर हुई है? निधि गुड मॉर्निंग भाई,
हाँ, क्या आपको इसमें कोई डाउट है? कैसा भी, अरे बोले भाई बोलो, क्या आपको इसमें कोई डाउट है? अब हम बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड की। वृत्तीय पथ में साइकिल का घूमना, वृत्तीय पथ में कार का घूमना, झुकी हुई सड़क में, बंकित सड़क में, बैंकिंग रोड में कार का घूमना। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहां से। अब कमाल का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। वृत्तीय पथ में साइकिल घुमाते हैं, वृत्तीय पथ में साइकिल का घूमना। साइकिल चलाई है क्या तुमने? पक्का सोच लो, क्या आपने साइकिल चलाई है? बोलो हाँ कि ना। अर्जुन, गुड मॉर्निंग भाई। विकास, हाँ, क्या आपने साइकिल चलाई है? अरे बोलो हाँ कि ना। अगर आपने साइकिल चलाई है और कभी घुमाई है साइकिल को, घुमाया है वृत्तीय पथ में, साइकिल को ही घुमाने की बात कर रहा, किसी और को घुमाने की बात नहीं कर रहा। वृत्तीय पथ में क्या आपने साइकिल को घुमाया है? अगर घुमाया होगा तो आपको इस बात का एहसास अभी होगा। वृत्तीय पथ में जब आप साइकिल को घुमाते हो, आपने आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में साइकिल को चलाना स्टार्ट किया भाई, आपने आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में साइकिल को चलाना स्टार्ट किया। और जैसे आप घुमाते हो साइकिल को, तो आप केंद्र की तरफ झुका लेते हो कि नहीं लेते हो? मान लो आप बहुत स्पीड में थे, आपने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो या नहीं किया हो मुझे नहीं पता। अगर आपने साइकिल चलाई है, मोटरसाइकिल चलाई है, तो अगर ज्यादा स्पीड होती है तो सर हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है हम फिसलने वाले हैं, हम केंद्र से दूर की तरफ जा रहे हैं सर, तो हम ऐसे झुक जाते हैं। मान लो मैं ऐसे जा रहा हूं तो मैं ऐसे झुक जाता हूं, साइकिल या मोटरसाइकिल को थोड़ा सा तिरछी कर लेते हैं केंद्र की तरफ। अरे हाँ कि ना, क्या ऐसा अनुभव किया है आपने? अरे ऐसा अनुभव किया है तो ध्यान से सुनिएगा। हमने किया ऐसा सर अनुभव, हमने साइकिल को ऐसे झुका लिया सर, ऐसे झुका लिया भाई साहब, हाँ या ना? यानी कि ऊर्ध्वाधर से हमने साइकिल को ठीटा कोण झुका लिया सर। बोलो आया क्या? अरे क्या बात समझ में आई है? ग्राउंड में रन करते हैं, बहुत सुंदर। ऐसा अगर आपने अनुभव किया है तो मुझे एक बात बताइए, साइकिल मान लो ऐसे जा रही थी, आपने ठीटा कोण साइकिल को घुमा लिया, एमजी कहाँ लगेगा? अरे एमजी, एमजी तो सर नीचे ही लगता है। हाँ, आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि इस वृत्तीय पथ में साइकिल की अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होगी सर? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए आपको इस साइकिल को घुमाने के लिए ऊर्ध्वाधर से कितना कोण झुकाना पड़ेगा सर। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। शुरुआत साइकिल से हुई है, बीएमडब्ल्यू तक का सफर कराया जाएगा आज। शुरुआत भले ही साइकिल से हुई है, सफर बीएमडब्ल्यू तक का करेंगे। अरे कार वाले क्वेश्चन भी तो करेंगे यार, हाँ कि ना? हाँ, क्लियर है? अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि क्या एमजी इधर लगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैसे लगेगा? साइकिल को सर हमने झुका लिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो ऐसे ही लगेगा ना भाई, अभिलंब तो ऐसे ही लगेगा ना, ऐसे दबा रही होगी साइकिल सतह को, ऐसे लगेगा। अपकेंद्रीय बल लगेगा कि नहीं लगेगा? सर जब हम टर्न में साइकिल को घुमाते तो हमें ऐसा लगता है हम फिसलने वाले हैं केंद्र से बाहर की तरफ। कौन फिसला रहा है? कौन पिछला रहा है सर? यहां पे पिछला रहा है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ, एमवी स्क्वायर बाई आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोले भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। कहानी क्या एकदम क्लियर है? पक्का। घर्षण का कोई रोल नहीं है, जो काम शायद घर्षण करता ना वो काम आपने क्या किया, क्योंकि साइकिल पिछली नहीं सर, तो घर्षण लगेगा क्यों? साइकिल पिछली नहीं, हमने साइकिल को क्या कर लिया, झुका लिया, इसलिए घर्षण। घर्षण तभी लगता है जब उसकी जरूरत होती है, स्थैतिक घर्षण। याद है ना, किसी बालक के दिल में यह भी ख्याल आ सकता है सर घर्षण का क्या हुआ? अरे घर्षण तभी लगता है जब आपको फिसलने की कोशिश कर रहे हो या उसकी जरूरत है, आपने उसकी जरूरत पूरी कर दी साइकिल को ऐसे झुका के। मैं अगर 10 न्यूटन लगाऊंगा तो स्थैतिक घर्षण होगा तो 10 ही लगेगा, 20 लगाऊंगा तो 20 ही लगेगा,
कहानी क्लियर है, घर्षण वाले भी लेंगे, अभी घर्षण का खेल हुआ नहीं है। तो इस एनके कंपोनेंट कर लो, साइकिल पिछली नहीं सर, नहीं पिछली, तो सर कुल बल जीरो है, तो ये तो हो गया एन कॉस थीटा और ये हो गया सर एन साइन थीटा, हाँ या ना? तो सर एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर और एन कॉस थीटा बराबर एम जी, तो सर टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, और पहली वाली के नीचे दूसरी वाली को भाग दे दिया सर, क्या दे दिया? भाग दे दिया सर, घटक ले लिया दोस्त। अरे क्या बात है, बातें समझ आ रही हैं। तो यहां से वेग का मान आ गया सर आर जी टेन थीटा। बहुत बार आपने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखे होंगे, 11 स्टार है, फिर कह रहा हूं ये साइकिल का घूमना जरूर है, ये साइकिल का घूमना जरूर है, आनंद आ जाएगा। पर आपको टेन थीटा पूछ ले ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पे घुमाएगा, इतना चाल है, अरे बता देंगे सर, यहां पे आर का मान आ रही है, त्रिज्या है उस वृत्तीय पथ की, सर वेग पूछ ले बता देंगे आर जी टेन थीटा है। क्या बात समझ में आई है? वृत्तीय पथ में साइकिल को घुमाना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा सर? टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी सर, टेन थीटा बराबर क्या? वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इस समतल पथ में कार को घुमाते हैं सीधा साइकिल और मोटरसाइकिल से कार का सफर, वृत्तीय पथ में घूमना साइकिल का, ये साइकिल का घूमना है सर, साइकिल का घूमना, सीखते चलो बस, क्वेश्चन लाया हूं प्रीवियस ईयर के, चिंता ना करें, एट द एंड हम क्वेश्चन भी करेंगे सर, एट द एंड हम क्वेश्चन भी करेंगे सर। नमस्ते भाई धनंजय। हां, समतल सड़क में, समतल वृत्तीय पथ में कार का घूमना, वृत्तीय पथ में कार का घूमना, अब आप खुद इस बात का एहसास करोगे कि क्या कहानी होगी। जब बच्चा ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेता है तो उसको डाउट रहता है, यार कभी तो टेन थीटा आता है, हाँ कभी घर्षण ले आते हैं। मैंने कहा सुन, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसमें घर्षण का खेल नहीं था, क्योंकि घर्षण की जरूरत नहीं पड़ने दी, हमने साइकिल को तिरछा कर लिया, हम कार लेकर आए भाई, हम कार लेकर आए, हम कार लेकर आए सर। सर हाउ टू स्टार्ट नीट प्रिपरेशन, नीट का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है पूछने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस करना है, शुरुआत कहीं से भी करो पर करो, ये जरूरी है, कैसे करना जरूरी नहीं होता, जीवन में करना जरूरी होता है दोस्त, आप शुरुआत कहीं से भी करो पर करो, आपको धीरे धीरे मजा आने लग जाएगा। वैसे कंसेप्ट उठाओ सारे सब्जेक्ट के और स्टार्ट करो उनको पढ़ना, अपने आप तुम्हें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप एक कार लेकर आए, कार कैसे जा रही है? मैंने कहा कार ऐसे जा रही है वी वेग से, हाँ सर ध्यान सुना, कार तो ऐसे जा रही होगी वी वेग से, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अब कार को तो तुम तिरछा नहीं कर सकते ना, अधिकतम सुरक्षित चाल निकालना है, वी मैक्स निकालना है आपका, अब कार को थोड़ी ऐसा तिरछा कर लोगे, स्टंटमैन थोड़ी हो, कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। पर मैं आपसे कहूं कि नीचे तो लगेगा एमजी, अरे हाँ कि ना? नीचे एमजी लगेगा ना कार का, हाँ। बाहर की तरफ क्या लगेगा? कि बाहर लगेगा एमवी स्क्वायर बाई आर, ऊपर क्या लगेगा? ऊपर अभिलंब बल लगेगा, कार थोड़ी ना तिरछी करेगा। तो क्या यहां घर्षण का खेल होगा? हाँ यहां घर्षण का खेल होगा। अगर आप कार को मान लो कि वृत्तीय पथ में बहुत स्पीड से घुमाओगे, घर्षण को आना पड़ेगा, तुझे बुलाया है आना तो पड़ेगा, घर्षण को आना पड़ेगा, उसके बिना तो पिसल जाएगी। तो घर्षण ने कहा कि घर्षण गुणांक अगर म्यू है, हम मानते हैं घर्षण गुणांक म्यू है, तो सर घर्षण बल कहां लगेगा? मैंने कहा पिसलने की चाहत किधर है, घर्षण बल की दिशा क्या होगी, कौन बताएगा? घर्षण बल की दिशा, वापस से वही खेल,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 घर्षण बल की दिशा बताएं, घर्षण बल की दिशा बताएं भाई। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, घर्षण बल की दिशा क्या होगी दोस्त? घर्षण बल की दिशा बताएं कितनी होगी, घर्षण बल की दिशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो 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 अमजद, सारे जवाब दिया करो भाई, सोने आए हो। सुधाकर 4, विवेक 5, अर्चना 5। अरे बटन दब गया भाई, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा उसको। तो हाँ ये रहा 1 2 3 4 5। मैक्सिमम आंसर है बेटा 5। अरे चाहत फिसलने की केंद्र से बाहर की तरफ है तो घर्षण बल तो अंदर ही आएगा ना यार। घर्षण बल कैसे लगेगा? अंदर लगेगा सर घर्षण बल। पर आप चाहते हो कि बिना पिसले आपको अधिकतम सुरक्षित चाल निकालनी है, किसकी? कार की। तो बिना पिसले अधिकतम सुरक्षित चाल देखो, कुल बल जीरो कर दो, एन बराबर तो सर एम जी है। हाँ सर। और सर मारने वाला कौन होता है? मैंने कहा मारने वाला नहीं, पिसलाने वाला है, ये कौन है? एम वी स्क्वायर बाई आर आपकी कार को स्लिप करवाना चाहता है। बचा कौन सकता है घर्षण? बचाने वाला मारने वाले से हमेशा बड़ा या बराबर तो होगा, तभी काम चलेगा। बचाने वाला कौन है? घर्षण है सर। मारने वाले से बड़ा या बराबर, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां पर बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम घर्षण गुणांक बताओ, कार को पिसलने से रोकने के लिए न्यूनतम घर्षण गुणांक। बच्चा सब कर लेता है, ये ग्रेटर देन लेस देन के चक्कर में फंस जाता है। बचाने वाला कौन है? बचाने वाला है भगवान, और मारने वाला है इंसान। मैंने कहा देख लो, बचाने वाला ग्रेटर देन इक्वल टू मारने वाला। क्या ये कॉन्सेप्ट सब जगह लगता है? ये याद कर लो पूरे एनएलएम के अंदर, बचाने वाला हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे? मारने वाले से, क्योंकि इक्वल के चिन्ह में कोई तकलीफ नहीं होगी कभी भी। जब लफड़ा आएगा ना ग्रेटर देन ले कि लेस देन ले, तब तकलीफ होगी। बड़ा वाला चिन्ह लेना है या छोटा वाला लेना है तब तकलीफ होगी। तो हमने कहा ये रहा घर्षण बल का मान कितना हो जाएगा बेटा, घर्षण बल म्यू एन होता है सर। घर्षण बल कितना होता है रे? म्यू एन होता है, और एन की वैल्यू तो सर एम जी के बराबर है। मान रख दीजिएगा सर यहां पर म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रे? वी स्क्वायर बाई आर, और ये एम आया है। बोलो क्या बात समझ में आई है? एम ने एम को मार दिया सर, तो वेग का मान आ गया लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। याद रखे इस बात को, आपने हो सकता है इक्वल वाला तो पढ़ा हो, पर ये लेस देन होता है, इससे कम या बराबर होगे तो नहीं पिसलेगा। थैंक यू भाई धनंजय, आया क्या? यू मैक्स इक्वल नहीं दोस्त, लेस देन इक्वल रूट म्यू आर जी। कहानी एकदम क्लियर है या नहीं है? हमने साइकिल का पिसलना सीख लिया है सर, हमने कार की स्लीपिंग भी देख ली है, कार को वृत्तीय पथ में घुमाना सीख गए हैं। हाँ कार को हम वृत्तीय पथ में घुमाना सीख गए हैं, साइकिल को हम वृत्तीय पथ में घुमाना सीख गए हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला, बंकित सड़क में। अगर आप हाईवे में कभी निकले हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा हाईवे में जब घुमाव आता है, टर्न आता है, तो टर्न घुमाव के दौरान जो सड़क होती है वो एक तरफ से झुकी हुई होती है नीचे। देखा है कभी? ऑब्जर्व किया है आपने ये चीज? देखा है, ऑब्जर्व किया है आपने कभी ये चीज? बेटा कोटा से चल रही है आपकी क्लास है धनंजय। देखा है आपने कि वृत्ताकार पथ में जब हम कार को घुमाते हैं सर तो वो झुकी हुई होती है, बंकित सड़क कहते हैं सर। उसका क्या रोल होता है वो सिखाता हूं। बंकित सड़क में कार का घूमना, और आप मानोगे नहीं, डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। मैं आपको फॉर्मूला सिखाने नहीं आया हूं,
मैं पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद फिर लास्ट में दो फॉर्मूले होंगे जिनको हम याद कर लेंगे, जेई मेंस में भी और नीट में भी बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा है, देखा है सबने। अरे क्या बात है, बंकित सड़क में कार की सबसे पहले हम देखेंगे अधिकतम सुरक्षित चाल। ध्यान देना, न्यूनतम भी पूछा जाता है और अधिकतम भी पूछा जाता है। अधिकतम सुरक्षित चाल, अधिकतम सुरक्षित चाल। वृत्ताकार पथ में बंकित सड़क पर कार की अधिकतम सुरक्षित चाल की बात हो रही है सर। अब ध्यान दीजिएगा, कार की अधिकतम सुरक्षित चाल की बात करनी है सर हमें। किसकी बात करनी है? कार की अधिकतम सुरक्षित चाल की। वृत्तीय पथ बनाता हूं दोस्त, कार की अधिकतम सुरक्षित चाल की बात कर रहे हैं सर। ये आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है और ये आपकी जो सड़क है ये थीटा कोण झुकी हुई है, ऐसे बनाया मैंने। थीटा कोण क्या है? ये झुकी हुई है सर। अगर ये थीटा कोण झुकी हुई है तो मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपकी कार है, ऐसे है रास्ता, कैसा है? ऐसा है। आपकी कार एकदम स्पीड से आपने टर्न लिया, आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है ये, आर त्रिज्या का। बल लिखना स्टार्ट कर दो। अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए सर कुल बल क्या होगा? जीरो होगा। आपका बायो का क्लास कब चलेगा? जल्द चलेगा दोस्त, जल्द चलेगा। और कैसे चलेगा वो भी बताया जाएगा तुम्हें, कैसे चलेगा वो भी बताया जाएगा। पहले इस बार एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं दोस्त। मैंने कहा सुनिए, कितने वेग से घुमा रहे हो? कि वी वेग से सर। मैंने कहा बाहर की तरफ क्या लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा अब केंद्रीय बल एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो हाँ कि ना। क्या बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा, हाँ या ना? क्या नीचे की तरफ एम जी लगेगा? बोलिएगा, सुनते चले। ये वाला सीख लिया, अगले वाला अपने आप कर लोगे। नीचे की तरफ एम जी लगेगा सर। अभिलंब बल कैसे लगेगा? सतह के लंबवत लगता है सर। अभिलंब बल कैसा लगता है? सतह के लंबवत लगता है सर। मैंने कहा घर्षण बल, अब खेल होगा, अब खेल होगा। घर्षण बल की दिशा बताएगा भाई, कोई बताएगा घर्षण बल की दिशा क्या होगी? ये अपना चक्कर जिसमें हम बहुत सारे चक्कर करते हैं, इस चक्कर में बताना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, घर्षण बल की दिशा बता दे बस, घर्षण बल की दिशा बता दे दोस्त। मजा आ जाएगा, अगर तुम घर्षण बल की दिशा बता पाओगे तो सच में मजा आ जाएगा। घर्षण बल की दिशा छह, अरे क्या बात है। और कोई, और कोई? सुधाकर सिक्स, अरे क्या बात है। घर्षण बल की दिशा, अमजद घर्षण बल की दिशा बताएं भाई फटाफट से। सिक्स सिक्स सिक्स, कमेंट से तुम चैट बॉक्स को भर दिया करो यार। गलत दो पर जवाब जरूर दो, पार्टिसिपेट जरूर करना है। प्रिक सिक्स, पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा दोस्त। हम गलत जवाब दे देंगे उसका डर नहीं है, गलत जवाब देंगे तभी तो सही का पता चलेगा यार। सर ऐसे कैसे होगा घर्षण बल नीचे की तरफ? मैंने कहा ये बंकित सड़क है सर, फिसलने की चाहत इधर है, हाँ तो घर्षण बल हमेशा चाहत के विपरीत दिशा में लगता है सर। घर्षण बल ऐसे लगेगा और सतह के अनुदिश लगता है सर। अरे क्या बात है अंशुल, सतह के अनुदिश, एक नहीं लगेगा बेटा। ऐसी सड़क है, बंकित सड़क है, ये कार ऐसे जा रही है पर फिसलने की चाहत ऊपर की तरफ है, तो घर्षण बल कहां लगेगा? अरे नीचे लगेगा सर। कहां लगेगा? नीचे लगेगा सर। सिक्स एकदम करेक्ट आंसर है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ नहीं करना आपको, अब सिर्फ और सिर्फ घटक करने हैं सर और जवाब देना है दोस्त। अब सुनिएगा, क्या कुल बल जीरो है? अधिकतम सुरक्षित चाल की बातें हो रही हैं सर, कुल बल तो जीरो है सर। कुल बल जीरो है तो मैंने कहा देखिए ध्यान से, अगर ये वाला कोण थीटा है तो क्या ये वाला कोण थीटा होगा या नहीं होगा? मानता है, अब गणित है पूरे के पूरे, आ जाइए भाई फटाफट से हम काम करते हैं। ये कोण थीटा होगा सर, और मैंने कहा क्या ये कोण भी थीटा होगा? हाँ, और ये वाला कोण भाई ये भी थीटा होगा सर, ये भी थीटा होगा सर। दो दिशाओं में हम घटक कर देते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा।
इस n का ऊपर की तरफ घटक हो गया सर n cos थीटा, और इधर घटक हो गया इसका n sin थीटा। ऐसे ही घर्षण बल का घटक हो जाएगा सर नीचे की तरफ, देखो इस F का घटक नीचे की तरफ F sin थीटा, और इधर हो जाएगा F cos थीटा, क्योंकि ये कोण भी तो थीटा ही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्या घटक करने में किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है घटक करने में? मैं वापस से लिखता हूं, अगर आप चाहो तो मैं अलग तरीके से बना के भी आपको ये सारी कहानी सिखा सकता हूं। मैंने कहा नीचे बेटा mg है, नीचे क्या है mg है, नीचे क्या है mg है सर, इधर हाँ इधर मैंने कहा ये n था, बाहर की तरफ मैंने कहा mv square by r था। अब ध्यान से सुनना, घर्षण बल मैंने कहा इधर था, हाँ ये वाला कोण मैंने कहा ये वाला कोण थीटा था, तो ये वाला कोण भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ओहो ओहो आया है क्या? किसी को घटक निकालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बार फिर से मास्टर ने घटक किए, ये n cos थीटा हो गया है, ये n sin थीटा हो गया है, ये f cos थीटा हो गया है, और ये f sin थीटा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ दो दिशाओं की बात बाकी है, हाँ या ना। मैंने कहा इस वाली दिशा में लिखे तो सर n cos थीटा बराबर, कुल बल जीरो है, ये वाली दिशा और ये वाली दिशा दोनों के बल बराबर कर दो रे, आया क्या? बस आंसर आने वाला है f sin थीटा प्लस का mg सर। हाँ तो सर ये हो गया, देखिए n cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर mg सर। हाँ मैं क्या घर्षण बल को म्यू एन लिख सकता हूं? बोलो हाँ कि ना। लिख सकते हो सर n cos थीटा माइनस का म्यू एन साइन थीटा बराबर mg। ये पहले समीकरण हम लेकर आ गए हैं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर करके सर। ये वाले घटक लिख दो भाई, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। बोलो हाँ या ना। तो सर घर्षण बल को लिख दो आप क्या? मैंने कहा म्यू एन cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। पहले बताओ इसमें किसी को कोई तकलीफ है, दिक्कत है तो बोले। शर्मा जी चैप्टर है न्यूटन के गति के नियम के, कॉन्सेप्ट सीरीज है एक्चुअली, अगर कोई बच्चा नया है तो उसको एक बार फिर बता दिया जाए, ये कॉन्सेप्ट सीरीज है दोस्त, और इस कॉन्सेप्ट सीरीज में बात होती है बेहतरीन कॉन्सेप्ट की। हर चैप्टर से वो कॉन्सेप्ट उठाए जा रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चंस अटकते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया जाता है डिटेल में एक्सप्लेन करके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत सारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं। थैंक यू भाई डॉक्टर साहब, कोई तकलीफ नहीं है। ये पहली वाली है सर, ये दूसरी वाली है, प्यार है ये तो आप लोगों का यार। देखिएगा ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, मैंने कहा हां ये दो है सर, ये पहली वाली दूसरी वाली, मैं चाहता हूं कि दो डिवाइडेड एक कर दो, दूसरी वाली में पहली वाली का भाग दे दो। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी वाली समीकरण में पहली वाली का भाग दे दे, एक बेहतरीन आंसर आने वाला है सर। इधर तो देखो भाग देते हैं सर, मैंने कहा देखो एम वी स्क्वायर बाई आर है अपॉन एम जी कर देंगे, हाँ ये है एन साइन थीटा प्लस का म्यू एन कॉस थीटा सर, हाँ और ये वाली है सर, ये माइनस यहां नहीं है, ये अंदर ही है सारा खेल, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। बोलेंगे भाई n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, हाँ क्लास का टाइमिंग है बेटा संडे के दिन चलती है 9 से 10:30, 11 भी बज सकती है ऐसी बात नहीं है, और डेली रेगुलर क्लास आपकी चल रही है कितनी बजे से? 7 से 8:30 शाम को, डेली क्लास चलती है आपकी 7 से 8:30 शाम को, क्लियर है? कोटा राजस्थान में है भाई,
अब बात करते हैं सर काटो पीटो, मैंने कहा ये कट गया सर, ये कट गया, ये तो हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सर यहां से मैं क्या करता हूं, एन कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं, भाई साहब ध्यान से देखिएगा, एन कॉस थीटा ऊपर कॉमन लिया, हाँ तो ये देखिए यहां पे क्या टेन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एन तो कॉमन आ ही गया, प्लस यहां पे सिर्फ म्यू बचेगा। देखो 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 ऐसे ही करूंगा क्या, और नीचे देखे नीचे भी एन कॉस थीटा कॉमन लो, तो ये वन बचा, ये माइनस का म्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अरे पहले ये देखो, ये बात समझ आई क्या, मैंने क्या किया एन कॉस थीटा कॉमन ले लिया ऊपर भी और नीचे भी, इसने इसको मार दिया है। हाँ सर, अरे सर ये वी स्क्वायर है, नीचे आर जी है सर, ऊपर सर टेन थीटा प्लस का म्यू आ गया, नीचे सर वन माइनस म्यू टेन थीटा आ गया सर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है, जुड़े रहे डेली 7 से 8:30 शाम को, आज आज की बात है, संडे को तो मॉर्निंग में होती है क्लास। तो सर देखिए वे स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया है सर, मैंने कहा कितना, अरे सर टेन थीटा प्लस का म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। अरे सर वेग आ गया है वे स्क्वायर आर जे, और ये क्या टेन थीटा प्लस का म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। वे बराबर क्या के सर रूट का आर जी, टेन थीटा प्लस का म्यू अपॉन क्या वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये लो रे, ये लो भाई, क्या ये अधिकतम चाल है कि न्यूनतम चाल है, ये अधिकतम है सर, ये क्या है अधिकतम है, ये अधिकतम है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूला पूछा गया टीएमआर। बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लास नहीं होती है, होगी जल्दी होगी, चिंता मत करो, होगी बायोलॉजी का भी होगा और केमिस्ट्री का भी होगा। अब बताओ किसी को कोई तकलीफ है, पीडीएफ कहां मिलेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा बेटा, पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा उस लिंक पे। अब सुनिएगा, अधिकतम चाल निकाली या नहीं निकाली, समझ आया या नहीं आया अधिकतम चाल, न्यूनतम का खेल क्या होगा वो अभी करेंगे, अधिकतम चाल में किसी को कोई दिक्कत, ये मैक्सिमम है सर, ये क्या है मैक्सिमम, अभी क्वेश्चन बाकी हैं और बात बाकी है अभी। न्यूनतम चाल निकालने से पहले एक बार सारे एक काम करोगे, कमेंट करके बताओ पहले, न्यूनतम चाल निकालने से पहले एक बार एक काम करना है, मानोगे बात, कमेंट करके बताओ फटाफट से, विद इन वन मिनट के अंदर सारे शेयर कर दो इस सेशन को, स्टेटस जहां पर भी आप लगा सकते हो लगा दो, फिर हम न्यूनतम चाल की बात करेंगे सर, फटाफट से एक मिनट में शेयर करके आ जाओ, एक मिनट में शेयर करके आ जाओ, मेरी क्लास लेना है, अगर पेड कोर्स में आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां से जाके आप पूरा कोर्स खरीद सकते हो, और अगर आपको YouTube की क्लासें लेनी है तो डेली शाम को 7 से 8:30 प्रेजेंट रहे, ऐसी ही बातें होती है और हर दिन मजेदार कंसेप्ट की बातें होती हैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ जाके, फिर हम बात करेंगे न्यूनतम सुरक्षित चाल की, और फिर उसके बाद बात करेंगे सर हम किसकी, मैंने कहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कर दिया है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, डन डना डन, आ जाओ भाई सारे, शेयर कर दिया है तो शेयर करके आ जाओ और कमेंट कर देना कि सर हम आ गए हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे, और मैं आपको सिखाऊंगा फिर क्या, मैंने कहा फिर मैं आपको सिखाऊंगा, अभी तो बंकित सड़क में अधिकतम सुरक्षित चाल निकाली है, न्यूनतम सुरक्षित चाल आपको ही निकालनी है, न्यूनतम सुरक्षित चाल आपको ही निकालनी है, वो आप ही करोगे, फिजिक्स ओनली फिजिक्स मिल जाएगा बेटा, इंडिविजुअल कोर्स भी मिलता है, आप इंडिविजुअल लो या तीनों सब्जेक्ट लो, आप जो लेना चाहो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
कॉलिंग के लिए नंबर भी है, कॉल करके वहां पे सारा पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आ गए हैं सारे बच्चे। ड्रॉप वालों के लिए भी है ये, बिल्कुल ड्रॉप वालों के लिए भी है, इलेवंथ वाले के लिए भी, ट्वेल्थ वाले के लिए भी, सबके लिए बेटा। जिसको फिजिक्स एक नहीं है उसके लिए, सबके लिए है। सारे आ गए हैं। अब बताओ क्या पढ़ने वाले हैं। बंकित सड़क पर सर कार की अधिकतम सुरक्षित चाल सीखी है, अब हम सीखेंगे सर बंकित सड़क पर कार की न्यूनतम वेग कितना होगा। बंकित वृत्ताकार सड़क पर, वृत्ताकार सड़क पर कार को घुमाने के लिए न्यूनतम सुरक्षित चाल। अगला हेडिंग है आपका बंकित वृत्ताकार सड़क पर, वृत्ताकार सड़क पर कार को घुमाने के लिए न्यूनतम सुरक्षित चाल, न्यूनतम सुरक्षित चाल सर, न्यूनतम सुरक्षित चाल। सारे बच्चे आ गए हैं पक्का। वो सारी बातें बेटा आपको वही डिटेल में जानकारी जो भी होगा वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही मिलेगा, उसके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। अब सुनिएगा, हाँ अब सुनिएगा, न्यूनतम सुरक्षित चाल की बात कर रहे हैं। सारे बच्चे अगर आ गए तो अपन स्टार्ट करें न्यूनतम सुरक्षित चाल, और आप करोगे। अब आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात बाकी है अभी तो, बहुत सारी बात बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिएगा आर त्रिज्या का वृत्ताकार सड़क है सर, बंकित सड़क है, यानी कि थीटा कोण पर सड़क झुकी हुई है। न्यूनतम सुरक्षित चाल से हम हमारी कार को इसमें चलाना चाहते हैं। न्यूनतम सुरक्षित चाल से सर अगर हम इसमें चलाएंगे तो देखिए क्या होगा। नीचे तो बेटा क्या एमजी लगेगा, सबको पता चल रहा है। चलिए बल लगाना स्टार्ट करें फटाफट, बल लगाएं। बाहर की तरफ लगेगा सर कितना, एमवी स्क्वायर बाई आर। खेल सिर्फ इतना सा है कि अभिलंब बल अभी भी ऐसे ही लगेगा सर एन। घर्षण बल कहां लगेगा बस ये बता दो। हाँ जो मैं लिखता हूं उसी का पीडीएफ मिलेगा बेटा आपको, उसी का मिलेगा, चिंता ना करे। कल अपडेट होगा पर पीडीएफ इसका, इस क्लास का पीडीएफ कल अपडेट होगा, आज संडे है ना। सुनिएगा, घर्षण बल की दिशा बता दो रे भाई फटाफट, अपनी चक्री में, अपनी चक्री में घर्षण बल की दिशा। 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्री लेकर आ गया हूं मैं तुम्हारे लिए। एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी। हेलो हेलो हेलो, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, बताइए। पांच होगी, छह होगी, सात होगी, आठ होगी। घर्षण बल की दिशा क्या होगी इस बिंदु पर, बोलो। अरे बोलेंगे घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा सोच के बोले अब की बार। बाहर की तरफ होगी डॉक्टर साहब, अरे क्या बात है। अमजद सिक्स, सुधाकर अभी भी सिक्स है, पहले भी तो सिक्स ही था यार, एट। ओहो ऐसे कैसे लगने लग जाता है घर्षण यार, एट तो कैसे ही नहीं होगा। छे 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 यार, फिर पिछले वाले और इस वाले में अंतर क्या रहा, पिछले वाले और इस वाले में अंतर क्या रहा। अब न्यूनतम वेग से चलाने की कोशिश कर रहे हो, कार स्लिप कैसे होगी, मेरी बात सुनिए। ये कार है, हाँ ये यहां पर है, ये रहा, ऐसे है कार। कार अगर मान ले कि इसके पास वेग कम है तो ये स्लिप होने की कोशिश कहां कर रहा है, नीचे की तरफ करेगा ना। देखना ये कार स्लिप होने की कोशिश कहां कर रही है, नीचे। घर्षण बल तो ऊपर लगेगा ना अब, और इसको वेग दे दूंगा तो अभी केंद्रीय बल इसको बाहर ले जाता है, हाँ कि ना। पर न्यूनतम वेग है तो अभी केंद्रीय बल के पास इतनी पावर नहीं है कि वो बाहर की तरफ खींचे। इसका घर्षण बल कहां लगेगा, ये नीचे की तरफ स्लिप होने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा। भाई मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई है, बच्चों ने दो 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 करके भर दिया है चैट बॉक्स, तो ये दो पे लगेगा घर्षण बल। बस खेल इतना सही है दोस्त, हो गया खेल इतना सही है, समझ आ गया है तुम्हें। अरे क्या ही कहूं यार, अब समझ आ गया है तुम्हें। अब सारे बच्चे पेन चलाना स्टार्ट करेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे सब। पेन चलाना स्टार्ट कर दो, अब कैलकुलेशन वैसी है। ये थीटा कोण है, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी होगा थीटा, और सर ये भी थीटा। घटक करेंगे भाई, घटक करेंगे सर, करेंगे बिल्कुल करेंगे। यहां तो हो जाएगा n cos थीटा, यहां हो जाएगा सर n sin थीटा। ओहो इस बल का f का f sin थीटा सर,
इधर f cos थीटा सर आया ही नहीं है, आया है क्या? घटक करना आया है। अब देखिए ऊपर है कौन, मैंने कहा n cos थीटा है और f sin थीटा है सर। इधर कौन है, इधर mv स्क्वायर बाई r है और f cos थीटा है सर। इधर n sin थीटा है सर और नीचे mg है सर। क्या मैंने सही लिखा है, हाँ या ना? क्या मैंने सही लिखा है सर? लिंक नहीं दिए ग्रुप का। हाँ यार, मेरी टेक्निकल टीम से बात हो नहीं पाई कल, तो उन्होंने लिंक नहीं डाला है अभी तक टेलीग्राम ग्रुप का। 100% कल मैं लिंक डलवा दूंगा, आज ही, अभी क्लास कंप्लीट होते ही मैं लिंक के बारे में बात कर लूंगा, आज ही या कल ही लिंक डल जाएगा, डोंट वरी। क्या कहानी क्लियर है सर इसमें, बोलो हाँ या ना? अरे बोलेंगे भाई, कहानी क्लियर है घटक की। चलिए भाई कैलकुलेशन करते एक बार फटाफट से, फिर पिछले सालों के क्वेश्चन पे हम आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हम आते हैं सर। n cos थीटा सर प्लस का f sin थीटा सर बराबर mg। कैलकुलेशन क्यों करा रहा हूं मैं, डायरेक्ट भी करा सकता था, पर कैलकुलेशन से आपको एहसास होगा, फील आएगा कि हाँ यार कहानी ऐसी है सर, कहानी ऐसी है सर। अच्छा, मैंने कहा देखो ये क्या लिखेगा, ये इसको और आगे बढ़ाते हैं सर। n cos थीटा प्लस का म्यू n sin थीटा, घर्षण बल की जगह म्यू n लिख दिया और ये mg आ गया सर, ये पहला समीकरण आया है। मैंने कहा हाँ, ये ऊर्ध्वाधर घटक को बराबर करके इसको बराबर कर दे, n sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r प्लस का बोल भाई f cos थीटा। इसको इधर ले आएंगे सर, n sin थीटा माइनस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। घर्षण बल का मान रख दे यार, n sin थीटा, अपना अपना आंसर अपने पास रखे भाई, cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r सर, बोलो हाँ कि ना? ये पहली वाली है सर और ये दूसरी वाली है सर, बोल अब क्या करेगा, बोल अब क्या करेगा? मैंने कहा अब कुछ नहीं करना है सर, अब भाग देना है सर, दूसरी वाली में पहली वाली का भाग दे दो सर। अरे देख ले ध्यान से इन समीकरणों को, दूसरी वाली में मेरा बच्चा पहली वाली का जैसे ही भाग देगा तो उसको पता चला कि mv स्क्वायर बाई r अपॉन का mg आ गया सर, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और इधर आप ध्यान से देखो, इधर है n sin थीटा ओहो माइनस का म्यू एन कॉस थीटा, बोलेगा सर। इधर है एन कॉस थीटा, बोलो हाँ सर, प्लस का म्यू एन साइन थीटा, बोल यार क्या मास्टर सही लिख रहा है, हाँ या ना? बट पीवाईक्यू से पहले सभी फॉर्मूला एक सेंटर में लिख दीजिएगा सर, बिल्कुल लिखा जाएगा, सारे फॉर्मूले जितने भी एक सेंटर में लिख दूंगा सारे, मजा आ जाएगा तुम्हें इसको सीख कर। सर m ने m को मार दिया सर, ये v स्क्वायर अपॉन r g हो गया सर। मैंने कहा हाँ, अब आप क्या यहाँ पे n cos थीटा कॉमन लोगे? लेंगे सर। अरे बोलो, n cos थीटा जैसे ही कॉमन लेगा, अरे बोल, तो ये sin थीटा बटे cos थीटा हो गया और ये माइनस का म्यू हो गया और नीचे कितना, मैंने कहा n cos थीटा हो गया ये 1 प्लस का म्यू, अरे बोल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोले भाई, कैलकुलेशन थी मैंने कर दी, इसने इसको मार दिया, अरे बोल ये टेन थीटा माइनस का म्यू आ गया। अरे ये सर देखा देखा लग रहा है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ओहो टेन थीटा माइनस का म्यू आ गया सर, अपॉन का सर 1 प्लस म्यू टेन थीटा आ गया। ये कैसे उड़ रहे हैं अपने आप लिखे लिखी चीजें। हाँ तो सर v आ गया रूट का, देखिए सर ये क्वेश्चन है, न्यूनतम वेग का rg, न्यूनतम वेग का rg tan थीटा माइनस का म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। देखो आया क्या, क्या सबका आया है ये? अब सुनिएगा, दोनों फॉर्मूले में साथ लिखने वाला हूं अभी। ओहो ओहो ओहो,
बंकेत सड़क में अधिकतम और न्यूनतम सुरक्षित चाल का वी मैक्स का फॉर्मूला मैं लिखता हूं। यार ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मैं इसको एक बार वापस से चलाता हूं। हाँ, वी मैक्स का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ध्यान से सुनिएगा। वी मैक्स का फॉर्मूला था सर, देखो आरजी था। हाँ देख देख देख, वी मैक्स का फॉर्मूला आरजी टेन थीटा प्लस का म्यू है, टेन थीटा प्लस का म्यू है बंकित सड़क में अपॉन कितना है, अरे बोल कितना है, वन माइनस म्यू टेन थीटा सर, वन माइनस म्यू टेन थीटा है। हाँ और रूट है, ध्यान से सीखना, अभी याद करना सिखा रहा हूं। अब याद करना सिखाऊंगा, कैसे याद करेगा, वे मिनिमम की कहानी कैसे खेलेगा। मैंने कहा देख आरजी तो दोनों में कॉमन है, हाँ अब सारा खेल उल्टा है इसमें, प्लस की जगह माइनस है सर। मैंने कहा हाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस है, टेन थीटा माइनस का म्यू है। हाँ और नीचे क्या आया है, वन प्लस टेन थीटा है, वन प्लस म्यू टेन थीटा है सर। देख देख कैसे याद करेगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो गया, खेल खत्म। जहां प्लस है वहां माइनस हो गया। लौटने घर्षण क्या होता है, जब वस्तु बेटा लुढ़कती है तब लौटने घर्षण लगता है, वो अपने कोर्स में नहीं है अब। हाँ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कैसी भी तो बोले, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्या कहानी एकदम क्लियर है, प्लस की जगह माइनस करना है और कुछ नहीं करना भाई। अरे आया क्या बोलो, अधिकतम में सर जहां प्लस होता है, न्यूनतम में वहां माइनस होता है, जहां माइनस होता है यहां प्लस होता है, बोलो आया है या नहीं आया। किसी को कोई तकलीफ है तो बोले, अधिकतम न्यूनतम कोई सा भी फॉर्मूला पूछ ले, 11 स्टार है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये है बंकित सड़क में कार का सुरक्षित चाल अधिकतम और न्यूनतम। और सर साइकिल की अधिकतम सुरक्षित चाल, साइकिल की पूछ ले तो बेटा क्या करेगा, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आरजी सर। कार के समतल सड़क पर, कार की समतल सड़क की बात कर ले, सड़क की, तो वी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आरजी। ये चार ही फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। क्या अब आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, क्या आप अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, बोलो हाँ या ना। तैयार है सब क्वेश्चन करने के लिए प्रीवियस ईयर के। आइए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, आ जा भाई। आइए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, जेई 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। जेई 2002 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, और मेरे बात ध्यान से सुनना, इस बार बहुत कुछ होगा यहां पर YouTube चैनल पर। PYQ सीरीज भी हम लेकर आएंगे लास्ट में, PYQ सीरीज बहुत सारी बातें होने वाली है इस बार, इसलिए जुड़े रहे, बस जुड़े रहे और प्यार बरसाते रहो। एक सरल लोलक ऊर्ध्वाधर तल में दोलन गति कर रहा है। भाई साहब ये सरल लोलक है, देखो ये रहा, ये सरल लोलक ऊर्ध्वाधर तल में दोलन गति कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है ये। अब इसके माध्य स्थिति कहां है, मैंने कहा ये रही माध्य स्थिति, यहां। जब ये यहां से गुजरता है, जब ये यहां से गुजरता है, ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हो गया है शायद, मुझे लगता है पहले भी मैंने करा दिया, पर जवाब तुम्हें देना है। जब ये माध्य स्थिति से गुजरता है तो उन्होंने बोला है कि भाई नीचे तो भाई साहब एमजी लग रहा है, हाँ ऊपर तनाव बल लग रहा है टी, और बाहर की तरफ एमवी स्क्वायर बाई आर भी लगेगा। और इन्होंने कहा है कि धागे में जब माध्य स्थिति गुजरता है तो भार का 3 गुना, यानी कि ये टी 3 mg के बराबर है। हाँ अब मान लो कि इस समय इसके पास वेग इस दिशा में, वो तो किधर मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, हाँ थैंक यू भाई सीआर। अब बात ये है कि आपसे ये पूछा है कि अब आपको बताना है कि धागे का, सरल लोलक के धागे का अधिकतम विस्थापन, कोणीय विस्थापन में आंसर है थीटा बताना है। मतलब खेल ये है कि आपको ये पता चल जाए कि यार ये यहां पर वेग कितना है, तो ये यहां से जैसे ये ऐसे ऐसे जा रहा है, हाँ अब ऐसा ऐसा केस बता दे, आपसे कहा है कि अब ये कितना कोण ऊपर जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा ऊर्ध्वाधर से।
मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आ जाओ यहां पर बात कर लेते हैं सर, t बराबर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। t का मान 3mg के बराबर है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो सर ये 2mg हो गया है और ये mv स्क्वायर बाई आर है। इसने इसको मार दिया, वेग का मान है सर अंडर रूट टू जी आर आ गया सर वेग। क्या वेग सबका अंडर रूट टू जी आर आया है? 1, 2। मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि जब मैंने ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति पढ़ाई थी तब कितने जने प्रेजेंट थे मेरी क्लास के अंदर? जब मैंने ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति पढ़ाई थी तब कितने जने प्रेजेंट थे? क्या आपको ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति आती है? एक्चुअली इस क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते मुझे ये तो समझ आ गया कि बात ऐसी ऐसी है, जब ये मध्य बिंदु पर होगा, माध्य स्थिति पर होगा तो खेल ऐसा होगा। तो मैंने कुल बल की समीकरण लगा दी, खेल खत्म किया। हाँ तो वेग आया, कौन थोड़ी आया सर। अब मुझे ये बताना है कि यार इस वेग से जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी ऊर्जा खर्च होगी, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, तो मुझे ऊर्जा संरक्षण लगाना पड़ेगा अर्चना। पर अगर जो बच्चा, जिस बच्चे ने ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति पढ़ी थी उसको एक बात याद होगी, क्या आपको ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति आती है? आपको ये क्वेश्चन इतना आसान पूछा जेई 2002 ने। देखिए मेरी बात सुनिए, जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, आपसे कैलकुलेशन कभी नहीं करवाना चाहते। वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपको कितने कॉन्सेप्ट आते हैं। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखो, आप कैलकुलेशन करके गधों की तरह करोगे, मुझे पता है कर भी लोगे, आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे गधों की तरह लगे रहते हैं पर इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस यहां देखते ही आंसर है इसका, यहां देखते ही आंसर था इसका। नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं बेटा, आपने ये तो पढ़ा होगा कि जब किसी रस्सी को ऐसे ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कराई जाती है, ये रस्सी भी आज मैं लेकर आया हूं, इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर तल में जब वृत्तीय गति कराई जाती तो एक चक्कर पूरा करने के लिए न्यूनतम वेग कितना चाहिए? याद है कुछ ऐसा सर, रूट का 5gr याद करो। जब ये बिंदु यहां पर पहुंच जाता है, अगर मैं रूट 5gr का वेग दू यहां पहुंच जाता है तो इसका वेग यहां पर हो जाता है 3gr रूट का, और अधिकतम ऊंचाई पे वेग हो जाता है बेटा रूट का gr। नहीं आया? ये तो आता होगा, ये आता है तुम्हें पहले से, कमेंट करते रहे फटाफट। ये पढ़ा है तुमने कभी? अगर आप ड्रॉपर बेच वाले हो तो आपको आता होगा, इलेवंथ वाला हो तो ठीक है नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, ये पढ़ा था कभी। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां जाने में इसके कितना वेग खर्च हो गया? सर रूट 5gr में से 3gr घटाएंगे तो रूट 2gr खर्च हो गया। आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां जाने में इसका कितना वेग खर्च हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर था, टिक करने वाला था। यहां से यहां गए तो रूट टू जी आर खर्च हो गया, मतलब अगर वेग यहां पर कितना है, रूट टू जी आर है, तो ये यहीं तक जाएगा, यहां पे वेग जीरो हो जाएगा, कितना डिग्री चलेगा, 90 डिग्री, आंसर, खेल खत्म। ले इसको बोलते स्मार्ट सॉल्यूशन। पर ये तभी आता है जब आपके पुराने पिछले कंसेप्ट क्लियर हो, तभी खेल समझ आता है। ये खेल खत्म हो गया 90 डिग्री। अब एक बालक होगा जो ऊर्जा संरक्षण लगा रहा होगा, उसने यहां पे स्थिति ऊर्जा जीरो मानी होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर में ये वेग डाला होगा। हाँ डाला होगा कि नहीं? डाला होगा सर। देख ऊर्जा संरक्षण से भी मैं आपको करवा दूंगा, सुनिएगा। ऊर्जा संरक्षण अगर आपको लगाना आता है तो वो देख लो। एक और सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन अपने पास बहुत सारे हैं, चिंता ना करें, सॉल्यूशन है अपने पास, भर भर के सॉल्यूशन है यार, उसमें क्या है। मान लो कि यहां पे सर वेग हो गया रूट का 2gr जो हम निकाल लिए हैं, यहां पे स्थिति ऊर्जा जीरो है तो स्थिति ऊर्जा जीरो हो गई, गतिज ऊर्जा हाफ एम, वेग ये रहा रूट का 2gr का स्क्वायर। हाँ अब ये जहां पर भी पहुंचेगा, कहां पहुंचा, मैंने कहा कहीं पहुंचा दो, कहीं पहुंचा दो, मान लो ये यहां पहुंचा, कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया, मैंने कहा h ऊंचाई पे, जहां पहुंचेगा वहां पे वेग हो जाएगा जीरो, तो इसके ऊंचाई h ऊंचाई पे स्थिति ऊर्जा हो गई mgh, वेग हो गया जीरो तो गतिज ऊर्जा जीरो। अब m ने m को मार दिया सर, ये 2, हाँ सर जी आर, और ये 1/2, इधर 2 से 2 गया, ये आ गया gh।
तो देखो सर ये टू से टू तो चला ही गया, जी से जी चला गया, एच बराबर हो गया आर, मतलब ये एच क्या हो जाएगा आर के बराबर, तो एच आर के बराबर तो यही होगा ना। अरे बोलो ये होगा, तो ये कोण कितना हो गया 90। ले खेल खत्म। आया बात समझ आई है, ये दूसरा सॉल्यूशन ले। सर 90 नहीं होता तो, मैंने कहा 90 नहीं होता तो ये एच ऊंचाई निकाल लेते ना। हाँ तो फिर हम यहां से करते कि यार ये हो गया ये थीटा कोण आया, तो ये हो जाता हमारा क्या आर कॉस थीटा। हाँ और ये कितना हो जाता एच बराबर आर माइनस आर कॉस थीटा, तो वहां से निकल जाता। कहानी क्लियर है सबको पक्का, कोई दिक्कत? ये तो बड़ा आसान था यार, एकदम लल्लू क्वेश्चन था, एकदम क्लियर है बोले। ऑप्शन आंसर डी एकदम करेक्ट है सर। अगला क्वेश्चन है सर, 1000 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग, ध्यान से सुनना सारे बच्चे करेंगे, और जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है उसको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कैलकुलेशन है तो पेन चलाएगा, बाकी देखिए क्वेश्चन का अप्रोच कैसे मारते हैं। बिल्कुल सर लाइव ही है बेटा, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे मारते वो सिखाता हूं। क्वेश्चन पढ़ते आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप एक ही बार में क्वेश्चन को ठोक दोगे। और अगर आपको ये अप्रोच समझ नहीं आती कि यार क्वेश्चन पढ़ते हमें समझ नहीं आता कि किधर जाना है, फिर तकलीफ है। क्वेश्चन पढ़ते अगर आपको समझ आ गया कि किधर जाना है, तो फिर खेल कंप्लीट हो जाएगा। 1000 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग जिसका क्षैतिज कोण 45 डिग्री है, हाँ, इस पर एक 2000 केजी की कार मुड़ रही है। अरे क्या बात है, इस कार हेतु अधिकतम सुरक्षित चाल कितनी होनी चाहिए? सड़क तथा टायरों के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या अधिकतम चाल का सूत्र आपको आना चाहिए, जो आर जी रूट का टेन थीटा प्लस का म्यू अपॉन 1 - μ tan θ होता है। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला आता है वो कर लेगा। क्या यही फॉर्मूला था अधिकतम सुरक्षित चाल का? कहां गया कहां गया? ये रहा सर, यही था बिल्कुल, अधिकतम सुरक्षित चाल का यही फॉर्मूला था। हाँ क्या ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है? इसको गलत मत कर देना भाई, इतनी मेहनत करी है सुबह से, 1.5 घंटा लगाया है अपन ने, सारे डेरिवेशन सिखाए हैं, और लास्ट में देखो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पूछा है। पर आपको उस बात का एहसास तब होगा जब आपको फॉर्मूले का फील आता होगा। ए, बहुत सारे बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, देखते हैं सुधाकर विकास और कोई जवाब दे भाई, मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, जवाब आने चाहिए। अब आपके दबा के जवाब देते रहो बराबर बराबर, मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए अब। हाँ क्या यही फॉर्मूला लगाना है? सब कुछ तो दिया हुआ है, 1000 मीटर की त्रिज्या है, ये 10 हो गया, टेन थीटा, टेन 45 है, टेन 45 का मान वैसे ही 1 होता है, घर्षण गुणांक 0.5 है सर, अपॉन 1 - 0.5 टेन 45। ऐसी भी क्या बात कर दी यार, सर 10 की घात 4 तो बाहर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, और ये अंदर रूट में क्या रह जाएगा 45, यानी कि 1.5, और ये 1 - 0.5 यानी कि 0.5 सर, पॉइंट से पॉइंट गया 3 बचा, यानी कि सर 100 रूट का 3, और ये तो सर 100 × 1.72 के आसपास आएगा, तो ये आ गया 172। तुम्हें ये नहीं आया यार, चैप्टर है बेटा न्यूटन के गति के नियम में, बंकित सड़क वाला, बंकित सड़क पे कार को घुमाने वाला कंसेप्ट बहुत जगह हो सकता है आजकल स्किप कर दिया जाता हो, वही सिखा रहा हूं दोस्त। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नीट 2007 के अंदर पूछा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है भाई। देखो बड़ा आसान सा था, कैलकुलेशन भी आसान दी। आप डरते हो कि कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट होगी, न्यूटन की गति का नियम वाला चैप्टर है बाबू, और डेली क्लास है आपकी शाम को 7 से 8:30, ध्यान रखिए इस बात का, शाम को डेली प्रेजेंट रहना है, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होती हैं।
एम द्रव्यमान के एक कार है, इसका जवाब कोई गलत दे दे तो फिर मत कहना भाई। एम द्रव्यमान के एक कार है, मेरे बच्चे जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जुड़े हुए एक भी गलत नहीं देगा इसका जवाब, इतना तो भरोसा है मुझे अब तुम पर। नीट 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के एक कार आर त्रिज्या के किसी वृत्ताकार समतल पथ पर गति कर रही है, यदि सड़क तथा कार के टायरों के बीच स्थिति घर्षण म्यू एस है तो कार की घूर्णीय चाल का अधिकतम मान। चलो भाई, कार के घूर्णीय चाल का अधिकतम मान, आंसर अमजद ए ए ए ए ए ए ए ए ए, क्या बात कर दी, बोलो रे जवाब दो ए ए। अरे ये बटन दब गया यार, ए जवाब दे रहे हो तुम यार, इसका इसका ए जवाब है, इसका ए जवाब है, अभी नहीं पढ़ाया मैंने क्लास के अंदर तुम्हें यार, ये डी अब तो दे ही दोगे है ना, आंसर टीप लिया, इसमें कंफ्यूजन था तुम्हें यार। अरे भाई ये पूरी कहानी अभी सिखाई, देख ले देख, अगर इसमें भी तुम्हें तकलीफ है तो ले देख, अभी सारे फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ये रहा कार के घर्षण वाली सड़क समतल सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल क्या कर रहा है, ये पूरा डेरिवेशन भी सिखाया इसका, ऐसे थोड़े डायरेक्ट सिखा रहा हूं, इसका डेरिवेशन सिखाया यार, कहां गया, ले डेरिवेशन दिखाता हूं, ये रहा पूरा डेरिवेशन सिखाया, उसके बाद क्वेश्चन हो रहे हैं यार, फिर भी ए में लगे हुए हो, डी करेक्ट आंसर है, डे आजा 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 ओ आजा, क्या है डी। अब इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं फिर तुम्हारे लिए यार, ऐसे क्या कर रहे हो। अगला है सर, 1000 kg द्रव्यमान के कार घर्षणहीन सड़क पर 90 मीटर त्रिज्या के एक ढालू मोड़ से ओहो गुजरती है, यदि मोड़ का झुकाव, नीट 2012 में वापस रिपीट हो गया भाई ये तो, मोड़ का झुकाव 45 डिग्री है, कार की चाल है, घर्षणहीन सड़क है, अब करके बता, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, अब करके बता, घर्षणहीन है ये और कौन सी है, बंकित सड़क है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले ही दे दिया था, अरे क्या बात है भाई अर्चना, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा सर, घर्षणहीन सतह है वही लगा दे, अधिकतम सुरक्षित चाल चाहिए क्या, क्या मोड़ के से गुजरती है कार की चाल है, अरे भाई यही लगा दे, कौन सा आर जी टेन थीटा आएगा, आर जी टेन थीटा कैसे सर, मैंने कहा ये वाले फॉर्मूले में क्या कर, म्यू का मान जीरो कर दे, म्यू का मान जीरो करते नीचे वाला जीरो हो गया, म्यू का मान या जीरो तो आर जी टेन थीटा ही बचेगा, आर जी टेन थीटा लगेगा रे, क्या लगेगा आर जी टेन थीटा, वो फॉर्मूला मैं बार बार लिखता हूं और फिर लिखता हूं, ये टेन थीटा प्लस का म्यू था, 1 - μ tan θ, बच्चों को बड़ी तकलीफ हो जाती है कभी कभी कि सर सुरक्षित चाल का फॉर्मूला ये है पर यहाँ पे घर्षण जीरो है, तो जीरो कर दे भाई, ये जीरो कर दे, ये जीरो कर दे तो आर जी टेन थीटा बच जाएगा, आर का मान कितना है सर 90 है, जी का मान 10 है, 10 = 45 तो 1 हो गया, अरे आया ही नहीं तो सर ये तो 30 आ गया, बे 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 अमजद, अरे क्या बात है भाई, एक ही बालक जवाब देगा क्या आज यार, एक ही बालक जवाब देगा, बे 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 बी बी बना लो तुम भाई, डॉक्टर साहब ऐसे क्या कर रहे हो यार, ऐसे ना करो, बी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगर ये गलत कर दो ना तुम, देखते अगर तुम जवाब नहीं दो इसका तो फिर तो भाई कोई मतलब नहीं है 2 घंटे यहां आने का। क्या क्वेश्चन है सर, मैंने कहा कोई कार आर नीट 2016 में, आप खुद देखिए इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की रेट देखिए आप, बंकित सड़क से क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा रहे हैं देखो तो सही, आप कोई कार त्रिज्या आर की बंकित सड़क पर गतिमान है, सड़क थीटा कोण पर झुकी है, कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक दे रखा है, इस सड़क पर कार की अधिकतम सुरक्षित चाल ए बी सी डी, जल्दीबाजी में आंसर गलत मत दे देना,
ABCD बोलो, ABCD बोलो, ABCD। भाई साहब इसका गलत जवाब मत देना, दिल टूट जाएगा फिर तो। ABCD, अमजद, सुधाकर, किशन, अरे क्या बात है, भर दो यार सही आंसर से अब चेट को। 3 3 3 3, सी एकदम करेक्ट है भाई। ये भी गलत देता तो फिर भाई साहब उसका नाम मैं गदा रख देता आज। सी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रे क्या कर रहा है, तुम तो कांड कर दिए हो बाबू, ये भी गलत कर दिए हो। अरे चार बार तो मैंने लिख दिया यार ये फॉर्मूला, अभी 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 मैं चार बार लिख दिया है। जी आर म्यू प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू टेन थीटा, क्या करता है यार, ऐसे कौन करता है। सी है अगला, और मुझे लगता है ये अंतिम क्वेश्चन है क्या। सरल लोलक का मध्यमान स्थिति में वेग क्या होगा जब ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उठता है। ओहो कैसे करेगा कि सर यहां पर वेग v ले लो और कितना ऊपर उठा दो, ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊर्जा संरक्षण लगा दो। ऊर्जा संरक्षण भी मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें लाइव क्लास के अंदर, सभी करेंगे। यहां पे वेग जीरो हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे भाई, सारे लगाएंगे। ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे सारे। ये देखो बी आंसर दे दिए हैं। मैंने कहा यार मैं तो इसको बड़े आसान तरीके से भी करवा सकता हूं, मैं दो सॉल्यूशन बताऊंगा इसके भी तुम्हें। चलो मैं इसके भी दो सॉल्यूशन बताऊंगा तुम्हें, मजा आ जाएगा तुम्हें इसको करके भी। मैंने कहा ऊर्जा संरक्षण लगाएगा तो यहां वेग जीरो, देख ऊर्जा संरक्षण से यहां पे स्थिति ऊर्जा जीरो, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, और ऊपर चला गया तो यहां पे स्थिति ऊर्जा हो गई MgH बराबर, अंतिम स्थिति ऊर्जा MgH और गतिज ऊर्जा जीरो। देख एम से एम कट गया, हाँ तो ये वे बोल भाई, ये वी आ गया सर अंडर रूट 2gH, खेल खत्म। तो वेग आ गया 2 × 10 × 10, हाँ सर, पर सर सेंटीमीटर में तो 10^-2 का रूट, तो ये तो गया, रूट टू होता है सर 1.4, रूट टू 1.4। पर अगर कोई बच्चा कहे कि सर अलग ऑप्शन कौन सा था, मैंने कहा सुन, किसे वस्तु को ऐसे फेंकते हैं यू वेग से, हाँ तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, मैंने कहा अधिकतम ऊंचाई ये होती है सर यू स्क्वायर अपॉन 2g। मैंने कहा यहां से भी आंसर आ जाता, सर हम तो ऐसे फेंक रहे ऐसे वेग दे रहे हैं, आप ऐसे वेग दोगे तब भी आंसर सेम कैसे आ रहा है, ध्यान से सुनना बड़ी कमाल की बात है। सर हम ऐसे फेंकते तब h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, h का मान 10 × 10^-2 यू स्क्वायर अपॉन 20। देख इससे भी आंसर आ रहा है, ये तो कट गया 1, ना नहीं कटा, ये देखो ये हो गया 2 यू स्क्वायर 2, तो यू का मान रूट 2, तब भी आंसर आ रहा है। सर ऐसा कैसे आंसर आ रहा है, मैंने कहा सुन तनाव बल का कार्य जीरो होता है, ये रस्सी में तनाव बल होगा ना इसका कार्य जीरो है, क्योंकि ये वेग के लंबवत है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेंडुलम की कहानी में सब जगह मत लगा लेना, क्या दोनों सॉल्यूशन समझ आए हैं, ये अकल वाली बात है। और ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें आपको तभी समझ आएगी जब आप डेली आओगे, ऐसी बातें मैं डेली सिखाता हूं दोस्त। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, और मुझे लगता है कि आज का जितना भी तुम्हें पढ़ाना था सारा कंप्लीट पढ़ा दिया है। पहले एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे आज वाले सेशन में किसी को कोई तकलीफ है तो बोले, आज वाले सेशन में किसी को कोई भी दिक्कत है तो पहले बोलो। एनसीईआरटी की सीरीज भी लाएंगे बेटा, फिजिक्स में एनसीईआरटी इतना मैटर नहीं करता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, फिजिक्स में आपको सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, चिंता मत करिए। हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, प्यार बनाए रखोगे, सेशन को शेयर करोगे या नहीं करोगे ये बता दो अब। और कल वाली क्लास में
प्रेजेंट होना ही होना है। कितनी बजे? डेली क्लास चल रही है आपकी शाम के 7 बजे से 8:30 बजे तक। शाम को डेली लाइव क्लास होती है। कल हम सूडो फोर्स छदम बल के बारे में बात करेंगे। यार सेशन को शेयर जरूर कर देना दोस्त, बस इतना ही मांगा है। बाकी ये क्लासे चलती रहेगी। मैंने क्या कहा कि आपका प्यार ही ये डिसाइड करेगा कि अगले 2 सब्जेक्ट कब आएंगे। आप सेशन को जितना प्यार दोगे, बहुत जल्द हम दोनों सब्जेक्ट को भी लाने की तैयारी में हैं। पहले अपने वाले सेशन को प्यार तो दो, ताकि मैं उन लोगों से बोल तो सकूं कि हाँ यार डिमांड है आपकी, आ जाओ। बोलो हाँ कि ना, मानते हो इस बात को यार? क्या कहानी क्लियर है दोस्त? सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना। स्टेटस पे लगाओ, व्हाट्सएप पे डालो, टेलीग्राम पे डालो, आपकी इच्छा हो जहाँ डालो वो आपके ऊपर है। चलिए तो फिर संडे मनाइए। संडे मनाना नहीं है सर, मेहनत करनी है। संडे मनाने के लिए नहीं आए हैं सर हम। इस साल सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन को सेलिब्रेट करेंगे, जब हमारा रिजल्ट आएगा सर। उससे पहले हम कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहते। ना हमारा कोई बर्थडे आता है अब, ना हमारे लिए कोई होली है, ना दिवाली है, ना दशहरा है। हमारे लिए एक ही दिन सेलिब्रेशन होगा सारा, जब रिजल्ट आएगा सर, जब हमारे ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएंगे, उसी दिन सेलिब्रेट करेंगे दोस्त साथ में। चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। थैंक यू।